Okay, so guys, good morning. Myself CA Jay Chawla. I am having experience of 8 years in teaching line. I'm also practicing chartered accountant. My main core area is basically Ind AS implementation for the listed companies. Okay, mere bare mein zyada janne ki koi zarurat nahi hai kyunki apne ko subject ke bare mein janna hai. The most important thing, this is our fast track batch, fast track FR new syllabus batch. थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग के 5-10 मिनट लूंगा इस बैच के बारे में बताने में कि क्या चीज बैच अपन को कैसे कंडक्ट करना है, किस तरीके से चलना है, अपने को कैसे रहेगा. गाइज, अपना जो ये बैच है जिसका लगभग जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 40 डेज का अप्रॉक्स रहेगा. 40 डेज अप्रॉक्स. अब 40 डेज अप्रॉक्स में इसलिए बोल रहा हूं कि एक आध दिन ऊपर भी हो सकता है. 40 डेज लगभग अप्रॉक्स रहेगा. 3 आवर्स के आसपास का क्लास रहेगा, 40 डेज का रहेगा. आपको बुक्स दो टाइप की प्रोवाइड की जाएंगी. एक कॉन्सेप्ट्स बुक मिलेगा जिसमें हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं. ये कॉन्सेप्ट बुक मैंने कहां से बनाया, कैसे बनाया, जो मैं अपनी रेगुलर क्लास में मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता हूं बच्चों को, उसी में से मैंने कट शॉर्ट करके कॉन्सेप्ट बुक बनाया. कट शॉर्ट करके इसलिए क्योंकि ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है. हमेशा रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में एक डिफरेंस होता है. रेगुलर बैच एग्जाम प्लस नॉलेज ओरिएंटेड होता है और उसमें बहुत सारे डीप डिस्कशंस होते हैं. फास्ट ट्रैक बैच में रेगुलर के ही नोट्स मैंने डाले हुए हैं, बट ऐसे इररिलेवेंट पॉइंट्स, ऐसे इररिलेवेंट पैराग्राफ्स विच आर नॉट फॉर एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस, वो मैंने हटा दिए हैं. उनको हटाकर मैंने कॉन्सेप्ट बुक बनाया है. कॉन्सेप्ट बुक बनाने का एक रीजन इंपॉर्टेंट ये कि आपको एग्जाम टाइम में एक हैंडी मटेरियल साथ में हो जाए ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी गो थ्रू कर सको, आपके सामने पूरा समरी हो जाए. पर ऐसा नहीं कि वो समरी नहीं है. अगर समरी होता तो मैं उसमें समरी बुक लिखता. ये कॉन्सेप्ट बुक मतलब सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे आपको मिलेंगे. लगभग 300 से 400 पेजेस का बुक होगा. इसके अलावा आपको साथ में क्वेश्चन बुक मिलेगा, क्वेश्चंस बुक रहेगा. क्वेश्चंस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. 250 से 300 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. वो क्वेश्चंस भी मैंने अपने रेगुलर बुक में जो क्वेश्चंस यूज करता हूं मैंने वहीं से उठाए हैं. अब वहीं से क्यों उठाए, मान लीजिए मैं किसी एक चैप्टर में 30 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, उसमें बेसिक से लेकर हायर लेवल तक क्वेश्चंस हैं 30, तो मैंने वहां से 30 से मैंने 20 क्वेश्चन उठा लिए या 15 उठा लिए, सिर्फ हायर लेवल वाले, बेसिक वाले छोड़ दिए. क्यों छोड़ दिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, वहां पर हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम डायरेक्ट हायर लेवल के क्वेश्चंस पहले करें. बेसिक क्वेश्चंस करने के बजाय मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा ताकि हम हायर लेवल के क्वेश्चंस को कवर अप करवाएं. विद इन 2 डेज और 3 डेज आपको एक पढ़ने का मेरा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं बैच को, किस तरीके से चला रहे हैं. तो एक आपको कॉन्सेप्ट बुक मिलेगा, एक आपको क्वेश्चन बुक मिलेगा. क्वेश्चन बुक में मैंने आपको बताया लगभग अप्रॉक्स 300 क्वेश्चन रहेंगे अप्रॉक्स. इसके अलावा बैच खत्म होते होते या बैच खत्म होने के बाद या इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई विल इशू चार्ट बुक. मैं अपना चार्ट्स पे काम कर रहा हूं और वो मैं बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस पे उसको मार्केट में इशू करूंगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में. वो कलर्ड चार्ट बुक होगा. ये चार्ट बुक का कॉन्सेप्ट कैसे आया, मेरा जो रेगुलर बैच अभी रनिंग चल रहा है, रेगुलर बैच में मैं क्या करता हूं, मैं आपको पढ़ाने का बता रहा हूं तरीका कि फास्ट ट्रैक से वो डिफरेंट क्यों होगा और यहां फास्ट ट्रैक में क्या होगा. रेगुलर बैच में आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक वी यूज टू मेक अ चार्ट उसी टॉपिक का. उसके बाद हम स्टार्टिंग पूरा चार्ट बना लेते हैं कि टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद उसका रिवीजन करना है तो पूरा चार्ट में हमने रिवीजन कर लिया. तो धीरे धीरे बाद में मुझे आइडिया लगा कि यार ये जो हम चार्ट बना रहे हैं क्यों ना मैं इसकी डिजाइनिंग करके इसको मैं बुक फॉर्म में लेके आऊं. तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको चार्ट बुक भी आप चाहो तो आपको मिल सकता है, प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब जो मेरे से लाइव स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको चार्ट बुक फ्री मिलेगा. एक्चुअली जो लाइव मेरे से पढ़ रहे हैं, जो चाहे वो रेगुलर बैच हो चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच हो, जो लाइव पढ़ रहे हैं उनको चार्ट बुक फ्री मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्वेश्चन बुक आपको मिल रहा है 300, ये हमारा लाइव क्लासरूम क्वेश्चन बुक होगा. इसके अलावा
मैं एक अलग से क्वेश्चनेयर बुक निकाल रहा हूं जिसमें लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम, सिर्फ आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम। रीजन, स्टूडेंट जब पढ़ाई करने बैठता है, जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब वो पढ़ाई करने बैठता है, तो वो किसी भी फैकल्टी की बुक उठाता है और वो पढ़ना शुरू करता है, या फिर वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल उठाता है पढ़ना शुरू करता है। फिर उसके माइंड में आता है, यार मेरे को आरटीपी भी तो करना है, यार मेरे को एमटीपी भी तो करना है, मैं पास्ट एग्जाम तो देख लूं। तो वो कर सकता है, वो हर चीज कंपाइल करता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ता है। मैंने सिर्फ इतनी मेहनत की कि मैं उन तीन जो चीजों को कंपाइल करके जुगाड़ के मैंने एक टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन बना लिए, और वो क्वेश्चन बुक क्वेश्चनर के मैं 10 लेक्चर अलग से सेपरेट रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि दैट विल बी फेवरेबल फॉर यू गाइज एंड एवरीबडी, कि यार मतलब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई भी पढ़ सकता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन बुक 100 क्वेश्चंस की लगभग 10 क्लासेस होंगी, और वो 10 क्लासेस आई विल ट्राई कि मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूं और वो क्वेश्चन बुक प्रोवाइड की जाएगी। तो मतलब इन दिस फास्ट ट्रैक बैच वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस इन लगभग 40 डेज। दीज टू बुक्स विल बी प्रोवाइडेड। वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर, ये एक क्वेश्चन मन में आता है कि मैं ये बैच क्यों ज्वाइन कर रहा हूं और कैसे क्या अलग है। रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में फर्क क्या है? पहली बात, रेगुलर बैच में एक कॉन्सेप्ट जब मैं बात करता हूं तो उस कॉन्सेप्ट को मैं पूरी क्लास में बार बार रिपीट करता रहता हूं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, अच्छा नहीं आया फिर से बता रहा हूं, समझ में तेरे को नहीं आया, अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं। फास्ट ट्रैक में ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा कॉन्सेप्ट का, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, कॉन्सेप्ट का ज्यादा रिपीटेशन नहीं होगा। पहली बात, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रेगुलर बैच में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं उसका 60% नंबर ऑफ क्वेश्चंस फास्ट ट्रैक में कवर किए जाएंगे, लगभग 60%। तो टाइम हमने वहां सेव किया। बार बार कॉन्सेप्ट के रिपीटेशन नहीं होंगे तो हम वहां पर अपना टाइम सेव करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात, फास्ट ट्रैक बैच कौन ज्वाइन कर सकता है? दो टाइप के लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, जिसने एफआर आज तक नहीं किया बट जिसका अटेम्प्ट बिल्कुल पास में है, करीब में है, ऐसा। और दूसरा, जिसने एफआर ज्वाइन किया है पहले बट चीजें भूल गया है, अच्छे से कंपाइल नहीं कर पाया कोई और चीजें भूल गया है, और एक क्विक रिवीजन की तो नहीं बट एक बहुत अच्छे से प्रॉपर कंपाइल करने की जरूरत है उसको, तो वो फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट कर सकता है, फास्ट ट्रैक उनके लिए है। रेगुलर बैच एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ नॉलेज ओरिएंटेड बैच होता है, बट यहां हमारा टारगेट फास्ट ट्रैक में रहता है एग्जाम ओरिएंटेशन पे, कि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए जाएं, सिर्फ वही क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे एग्जाम पे ध्यान रखते हुए, जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उन पे करवाया जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, रेगुलर बैच में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं, फिर मैं बोलता हूं आ जाओ बच्चों अपन इसको बुक से रीड करते हैं, फिर मैं लाइन टू लाइन रीड करवाता हूं। फास्ट ट्रैक में मैं लाइन टू लाइन रीड नहीं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट में उतनी ही स्पीड से बताऊंगा जितनी स्पीड से मैं रेगुलर में बताता हूं, मतलब स्पीड में फर्क नहीं होगा बट मैं कॉन्सेप्ट बुक से आपको रीड नहीं करवाऊंगा। इंस्टेड ऑफ लाइन टू लाइन रीडिंग मैं मेन पैराग्राफ पे आपको फोकस करूंगा कि देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा कि आपको ये खुद से पढ़ना है और अगले दिन आके मुझसे डिस्कशन करना है। तो इतना फर्क है आपकी रेगुलर में और फास्ट ट्रैक में, बस ये है। रेगुलर बैच विल टेक 75-80 क्लासेस, फास्ट ट्रैक बैच इज टेकिंग लगभग 40 क्लासेस, तो उसका आधा इस तरीके से किया गया है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा एफआर के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ मैं कैसे अपन कंडक्ट करेंगे क्लास को वो मैं बता देता हूं आपको। ओवरऑल गाइज, इन योर एफआर देयर आर 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 35 एप्लीकेबल इंडेस आउट ऑफ 39, बेसिकली टोटल इंडेस 39 है बच्चों, पर 39 में से 35 आपके सिलेबस में है, ठीक है, 39 में से 35 आपके सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा। 35 इंडेस एप्लीकेबल है, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, 6
छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा 35 एनडीएस के अलावा चार से पांच गाइडेंस नोट अप्लीकेबल है, गाइडेंस नोट्स। ये गाइडेंस नोट क्या होते हैं? गाइडेंस नोट आर इश्यूड बाय आईसीएआई और गाइडेंस नोट आर नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर फॉर द इंडस्ट्री लेवल। और आज तक गाइडेंस नोट में से आया कुछ भी नहीं है, पर गाइडेंस नोट हमें पढ़ के जाना जरूरी रहता है। मैं चार से पांच इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट एक आध निकाल देता है, एक आध कोई नया इंट्रोड्यूस कर लेता है, तो इसीलिए मैं चार से पांच लिख रहा हूं कि मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कितने होंगे लगभग ऐसा। अच्छा, इसके अलावा बाकी के कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं, मिसलेनियस चैप्टर्स में वैल्यू एडेड, ई कॉमर्स, कार्बन क्रेडिट, सीएसआर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल। मिसलेनियस चैप्टर आपके लगभग 15 से 18 मार्क्स कवर करता है। आपका जो मेजर कवर होता है, मेजर जो कवरेज है, वो एएस इंडेस का कवरेज है आपके पूरे एग्जाम में। एएस इंडेस का कवरेज है। आप ये कह सकते हो कि अगर पेपर 120 मार्क्स का आता है, क्योंकि विथ चॉइस तो 120 का आता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के पांच में से चार करने होते हैं, तो 120 मार्क्स के पेपर में से आपका ये मान लो कि लगभग 95 से 100 मार्क्स का पेपर आपका इंडेस और एएस से मिलके बनता है। बाकी ये आपके 15-18 और जो गाइडेंस नोट अगर कुछ आया तो 20 मार्क्स वगैरह वो हुए एवरेज। तो 95 टू 100 मार्क्स का पेपर आपका विथ चॉइस अगर बोले तो एएस, इंडेस और इससे बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम इनको सेपरेटली नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि जो ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एक है कंसोलिडेशन। अब बेटा कंसोलिडेशन तो इंडेस में भी है, तो कंसोलिडेशन वाला जो ये स्टैंडर्ड है और ये जो इंडेस है इसको साथ में पढ़ा जाता है कि पहले एएस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया फिर इसके साथ इंडेस वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। वैसे ही एक है स्टैंडर्ड एसोसिएट के ऊपर और दूसरा स्टैंडर्ड है ज्वाइंट वेंचर के ऊपर, तो ये दोनों स्टैंडर्ड भी आपके इंडेस में भी आते हैं, इंडेस में भी आते हैं, तो इसीलिए हम उनको साथ साथ पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हम उनको साथ साथ पढ़ेंगे। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा छह में से ये तीन हो गए, बाकी जितने स्टैंडर्ड्स हैं मैं आपको नाम बोलते जा रहा हूं, माइट भी शायद आपने ये नाम सुने हो। एक स्टैंडर्ड है AS 28 इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट नाम तो सुना होगा आपने, तो ये इंडेस है आपका 36 इंपेयरमेंट। तो मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा कि AS 28 मैंने आपको इंपेयरमेंट अलग पढ़ाया फिर इंडेस 36 मैंने आपको अलग पढ़ाया, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। साथ में करते हैं, क्वेश्चन दोनों के साथ में करना पड़ता है, ठीक है। फिर AS 28 के अलावा AS 25 इज ऑल अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका इंडेस नंबर है 34, इंडेस नंबर है 34, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी मैं आपको इंडेस के साथ पढ़ाऊंगा। और एक स्टैंडर्ड है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट AS 15 एम्प्लॉई बेनिफिट, शायद आप सुना होगा आपने एम्प्लॉई बेनिफिट्स, और इसका इंडेस है इंडेस 19, तो हम ये सब साथ में पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के आप ये टेंशन छोड़ देना कि हमें यार ये छह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से पढ़ने पड़ेंगे, अलग से अपने को नहीं पढ़ने पड़ते, राइट। अच्छा, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, किस तरीके से अपना होगा, ठीक है, किस तरीके से अपना होगा, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, राइट। हम स्टार्टिंग कहां से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज का पहला सेशन हमारा रहेगा बेसिक्स के ऊपर, पहला और दूसरा सेशन। लाइक बेसिक्स में क्या क्या आता है, इंडेस का रोडमैप एप्लीकेबिलिटी, दूसरा शेड्यूल 3 जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है, ठीक है, इस बार एग्जाम में आया भी था शेड्यूल 3 के ऊपर क्वेश्चन। इसके अलावा शेड्यूल 3 के अलावा अगली क्लास में इंडेस 1, बिल्कुल ही बेसिक स्टैंडर्ड इंडेस 1, और एक चैप्टर दिया गया है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में इग्नोर करके जाते हैं, फ्रेमवर्क। चैप्टर का नाम है फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें से इस बार 5 मार्क्स का आ गया, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर लेते हैं उसको अनइंटेंशनली। तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस अपनी ये बेसिक्स की होगी। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस माइट भी आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ी सी बोरिंग सॉर्ट ऑफ जा रही हैं,
आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस लेवल पर नहीं ले जाऊं कि जहां आपको बोरिंग लगे, बट बेसिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं ये नहीं बोल सकता कि खुद से पढ़ लेना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो क्लासेस करना जरूरी भी है एंड वी विल ट्राई कि हम सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा होगा, तो ऐसा मत सोचना कि अरे यार थ्योरेटिकल ही है एफआर में और कुछ है नहीं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, आपको 5 क्लासेस में समझ में आ जाएगा कि एफआर कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है और उसका आपके जॉब से रिलेटेड रिलेशन में आपका कितना उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडियस का स्पेशली। एक अच्छी बात हमें करनी है हर सेशन में। क्या अच्छी बात करनी है? मैं अपना ये बात अपनी रेगुलर बैच में इंप्लीमेंट हम करते हैं बच्चों के साथ। मैंने ये देखा शुरू से कि स्टूडेंट्स को इंडेस के नंबर्स और इंडेस के नाम आज तक याद नहीं होते। हंस रहे हो, मतलब हाँ बात सही है, मतलब मैंने बात ये सही पकड़ी। सो मैंने अपनी रेगुलर बैच में एक ये सोचा, उनको मैंने बोला कि बच्चों क्यों ना एक काम करें, रोज के रोज 3 स्टैंडर्ड के नाम और नंबर आप अपनी कॉपी में लिखोगे, अलग से पेज आप बनाओगे, सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप 4 से 5 पेजेस छोड़ के रख दो। रोज मैं आऊंगा और आपको पुराने स्टैंडर्ड जितने भी मैंने नाम और नंबर लिखवाए हैं उनको पूछूंगा, बिना देखे आपको बताना पड़ेगा, कभी ना कभी तो याद हो जाएगा बार बार। और नए 3 स्टैंडर्ड्स आपको लिखवाऊंगा, रोज एक्सरसाइज रहेगी। ये मेरी रेगुलर बैच में एक्सरसाइज हो चुकी है, इसलिए मेरे को ये लिखा हुआ है, ये रेगुलर बैच में एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है और यही एक्सरसाइज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तो हर बैच हर क्लास स्टार्ट होते साथ हम इंडेस का नंबर और नाम लिखेंगे, अंडरस्टूड? और मैं आपके साथ फिर से लिखूंगा, ऐसा नहीं कि मैं यही लिखा हुआ है तो मैं यही मेहनत नहीं करूंगा, मैं फिर से आपके साथ मेहनत करूंगा, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम एंड नंबरिंग। आपको अपनी कॉपी जो आप बनाओगे, पहली बात तो कॉपी बनानी पड़ेगी अलग से, ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग और SFM की कॉपी लेके आ गए, ठीक है? तो नेम एंड नंबरिंग आपको रखना पड़ेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेम एंड नंबरिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड। एवरी डे वील डिस्कस वील लर्न 3 नेम्स एंड नंबर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंड एस 1। फर्स्ट इज इंड एस 1। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। साथ में जैसे मैंने ये बताया, साथ में आपको ये सोचना है कि इसका कोई AS है क्या, जो हमने अपने IPCC इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा था, आपको मुझे उसकी बतानी है हिंट कि इसका कोई AS था क्या। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू कैन से AS 1 एंड AS 5। 5 का नाम था नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, पर उसमें जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो उसका प्रेजेंटेशन वाली बात इसमें आती है। तो इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल, बोलो मेरे साथ इंड एस 1। इंड एस 1 मैंने बोला, नाम आपको बोल रहा है। इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड इंड एस 2 इन्वेंट्रीज। कोई AS बताएगा? यस, AS 2। ओके, फिर से इंड एस 1 इंड एस 2। ओके, इंड एस 3, 4, 5, 6 नहीं है, 3, 4, 5, 6 नहीं है। इंड एस 7 इंड एस 7
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, कोई बताएगा? एएस, यस, एएस नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। ओके, आज के ये तीन नाम और नंबर अपन ने किए। हर क्लास में अपन क्यूमुलेटिवली रिवीजन करेंगे और आगे का बढ़ेंगे, आगे का अपन नेम और नंबर याद करें। चलो फिर से बोलो, इंडेस 1, इंडेस 2, इंडेस 3, 3, 3, 3, इंडेस 7। हाँ, ध्यान रखो मेरे शब्दों पर। ओके, फिर से, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, इंडेस 2, इन्वेंटरीज। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रोडमैप। रोडमैप मतलब ये इंड एएस एप्लीकेबल कैसे होने हैं, किस तरीके से होने हैं। दो मिनट, अभी बुक से नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है ना, छोड़ दो बुक, नहीं पढ़ना है। पहले अपन बात करते हैं इंडेस की, क्या हुआ, कैसे हुआ, काय को आया, शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये इंडेस की कहानी आई 2015 में, अरुण जेटली साहब ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, साथ साथ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी थे वो, जब वो मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, तो उन्होंने 15 फरवरी 2015 में एक नोटिफिकेशन लेके आए कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंडेस इन द इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में इंडेस अप्लाई किए जाएंगे। वो कब था? फरवरी 2015 में नोटिफिकेशन आया कि इंडस्ट्री में अप्लाई किए जाएंगे। ये शुरू से चल रहा था, 2011 से लेकर चल रहा था कि अप्लाई होंगे 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 करके, 2015 में आ गया। ये इंडेस क्या है? इंडेस बेसिकली आर द कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम आईएफआरएस, मतलब आईएफआरएस को कन्वर्ट किया गया है इंडेस में। कन्वर्ट क्यों किया गया? कुछ कंट्रीज ने आईएफआरएस को पूरा का पूरा एज इट इज एडॉप्ट कर लिया कि हम तो एडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपने कोई नए स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। लाइक एशियन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज ने आईएफआरएस एडॉप्ट कर लिया। इंडिया को बोला गया आप एडॉप्ट करो, इंडिया ने बोला नहीं, हम एडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से आईएफआरएस की तरह अपने खुद के सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। देयर माइट बी सम डिफरेंसेस, इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे हमारे इंडिया में, वो चीजें हम नहीं फॉलो करेंगे आपकी। तो इंडिया ने नए स्टैंडर्ड्स बनाए। अब क्योंकि नए स्टैंडर्ड्स बनाए, आईएफआरएस की तरह बनाए, तो मैक्सिमम इंडेस आपके आईएफआरएस की तरह है। देयर आर ओनली 10-12 डिफरेंसेस बिटवीन इंडेस एंड आईएफआरएस, एंड दीज डिफरेंसेस आर नोन एज कार्व आउट। कार्व आउट नाम सुना होगा, कार्व आउट। सो दीज डिफरेंसेस आर नोन एज कार्व आउट। तो जो बच्चा पेपर नंबर 6 इलेक्टिव पेपर करता है, अगर मान लो वो पेपर नंबर 6 डी करता है जीएफआरएस वाला, जीएफआरएस कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा इंडेस है, पूरा का पूरा डिट्टो इंडेस है, सिर्फ वो 10 कार्व आउट कोई करके चले जाए और यूएस गैप का 10 मार्क्स का कोई पढ़ के चले जाए, उसका जीएफआरएस कवर अप हो जाता है, कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं कोचिंग देता भी नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। एट दिस टाइम जीएफआरएस का पेपर वॉज वेरी वेरी, मतलब इतना ईजी पेपर आया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर टेकिंग, आप सब जानते हो कौन सा सब्जेक्ट, इंटरनेशनल टैक्सेशन। इस बार सुनने में आया कि इंटरनेशनल टैक्सेशन शायद थोड़ा टफ गया बच्चों को टफ गया, टफ आया कि नहीं, आई डोंट नो, बच्चों को टफ गया। देयर वाज ओनली माय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था जो मुझसे एफआर पढ़ा हुआ है, कर्नाटक बेलगम करके इस जगह है कर्नाटक से, तो उसने मुझे बताया सर मेरे क्लासरूम में 70 बच्चे बैठे थे, 70 में से सर 60 बच्चे इंटरनेशनल टैक्सेशन के थे, उसके बाद मैं अकेला जीएफआरएस का था, बाकी मिसलेनियस वाले थे, किसी का रिस्क मैनेजमेंट वाला था, किसी का इकोनॉमिक लॉ वाला था। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बुक लेके गया था आपकी वाली ही,
हाँ, हालांकि थोड़ा फील हुआ कि बेयर एक्ट लेके जाना चाहिए, एनडीएस का बेयर एक्ट लेके जाना बहुत जरूरी रहता सर। बाकी आपकी बुक से भी काम चल गया सर, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। वो तो सर पूरा एनडीएस पूछते हैं सर, करते क्या है ये लोग, पूरा एनडीएस पूछते हैं। तो कुल मिला के ये फंडा है, वापस आते हैं। सो आईएफआरएस से कन्वर्ट करके हमारे एनडीएस बनाए गए हैं। एनडीएस में 10 कार्व आउट है, वो साथ साथ हम एनडीएस के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा बच्चों ये कार्व आउट है, देखो आईएफआरएस में ना ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, वो मैं कार्व आउट आपको साथ साथ पढ़ाते हुए जाऊंगा, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात, जब एनडीएस आया क्या होता है, हमारे देश में कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, बहुत सारी पॉलिसीज कॉर्पोरेट्स को देखकर बनाई जाती हैं, स्पेशली इनकम टैक्स की पॉलिसीज, स्पेशली जीएसटी बेस्ड पॉलिसीज, टैक्सेशन बेस्ड पॉलिसीज। और इंडेस, इंडेस आने वाला था 2011 से, पर आया 2015 से, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स रोक के बैठे थे, बोल के बैठे थे वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी। बिकॉज सीधी बात है यार, अचानक से एक ड्रेस्टिक चेंज करके आपको बोले कि कल से तेरे को बैलेंस शीट अलग तरीके से बनानी है, इस तरीके से नहीं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत थी, हमारे हमें ऑडिटर्स जो हमारे हैं, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी तो पहले आए, वो भी तो हमें सिखाएं कि कैसे करना है, ये सब चीज की जरूरत थी। तो फाइनली 2015 में अप्लीकेबल हुआ। जब 2015 में ये नोटिफिकेशन आया तो ये बोल के आया कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, इन तीनों के ऊपर इंडेक्स फिलहाल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब किसके ऊपर होगा, अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी, वेदर इट इज अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब शॉर्ट में बात करते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे भी। इंडेस आर अप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी, पहली बात याद रखना, क्या याद रखोगे? एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी। सर ईच एंड एवरी मतलब चाहे उसका नेटवर्थ जीरो है, चाहे उसका नेटवर्थ नेगेटिव है, चाहे उसका नेटवर्थ ऊपर पॉजिटिव है, चाहे उसका नेटवर्थ 1 करोड़ है, चाहे उसका नेटवर्थ 250 करोड़ है, चाहे उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। मैं 500 250 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें लिमिट्स दी गई हैं। बट आपको क्या याद रखना है, इंडियस आर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी, बस बात खत्म। आई वरी बात समझ में कि नहीं, समझ में आएगी नहीं? अच्छा, दूसरा, इंडियस आर एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनीज ऑल्सो हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और अबव। दो पॉइंट्स कौन से बताए मैंने, बताना, एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, देन एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग टर्नओवर, नहीं बच्चे टर्नओवर नहीं, क्या कर रहा है, हाँ नेटवर्थ, नेटवर्थ, नेटवर्थ देखना है, नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर, 250 और मोर। आई बात समझ में कि नहीं? दो बातें समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब तीसरी बात, तीसरी बात, इंडेस कौन से फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होना शुरू हो चुके हैं? फाइनेंशियल ईयर इज 16-17, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 16-17। तीन बातें याद रखनी, बोलो तीन बातें। पहली बात, एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, एप्लीकेबल टू ऑल अनलिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर। थर्ड वन, एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 16-17, फाइनेंशियल ईयर 16-17। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, वापस आते हैं लिस्टेड कंपनी पे। 16-17 में वो लिस्टेड कंपनी इंडेस लगाएगी या वो अनलिस्टेड कंपनी इंडेस लगाएगी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है, जिसकी नेटवर्थ 500 या उससे ऊपर है। 16-17 में स्टार्ट हो चुके ना, स्टार्ट कब से हुए, तो 16-17 से लगाएगा कौन, 500 से ऊपर वाला, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। देखो पहली पॉइंट पढ़ी थी कि लिस्टेड पे तो सब पे ऊपर एप्लीकेबल होता है और अनलिस्टेड पे 250 से ऊपर होता है, तो मैंने अभी बोला 16-17 से कौन लगाएगा, जिनकी नेटवर्थ 500 या उससे ऊपर हो, तो वो दोनों आ गए, कोई भी कंपनी हो। आया समझ में आया कि नहीं, बोलो ना, 16-17 से, तो जो कंपनी 16-17 से लगाएगी उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे ऊपर। सर मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, तो तेरे को एक साल का गैप रखना पड़ेगा, एक साल का टाइम पीरियड का वेट कर ले, तू एक साल बाद अप्लाई कर, एक साल बाद मतलब दैट्स इट। अब बताओ 17-18 से कौन सी कंपनीज आ जाएंगी, ऑल
हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500, मे बी 200, 100, जीरो, नेगेटिव, समझ में आएगी नहीं. और दूसरा, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन 500 बट इक्वल टू और मोर देन 250. सिंपल. कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 17-18, सेकंड वाला. और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? तो बच्चों फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 16-17 ना, उसको बोलते हैं फेस वन. फेस वन और फेस टू. तो रोड मैप है, उसको दो फेजेस में बनाया गया है. फेज वन में कौन सी कंपनीज आएंगी और फेज टू में कौन सी आएगी. मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा आपको. क्लियरली समझ में आ गया? मुझे बताइए कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 16-17 में कौन सी कंपनीज? नेटवर्थ 500 करोड़ और अबव, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड. अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर तेरी कंपनी लिस्टेड है और तेरी ये दो चार सब्सिडरीज हैं, तेरी दो चार सब्सिडी, अगर तू फेज वन में आता है, चल छोड़ लिस्टेड अनलिस्टेड, अगर तू फेज वन में आता है और तेरी ये दो चार सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, जो कहीं पे भी जिनकी नेटवर्थ कुछ है ही नहीं, जीरो है, वो भी तेरे साथ आ जाएंगी, क्लब हो जाएंगी और फेज वन में आ जाएंगी. नहीं आया क्या समझ में? अरे बोलो ना बेटा. क्या बोला मैंने? अगर किसी कंपनी के ऊपर इंडेक्स लग गया तो उसकी सारी ग्रुप कंपनीज के ऊपर इंडेक्स लग जाएगा उसी फेज में. नहीं आया क्या समझ में? मतलब सब्सिडरी को अपने होल्डिंग का देखना पड़ेगा, या माइट भी होल्डिंग को अपने सब्सिडरी का देखना पड़ेगा. माइट भी होल्डिंग कंपनी छोटी है, सब्सिडरी कंपनी बड़ी है. तो होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कंपनी अगर इंडेक्स इंप्लीमेंटेशन में आ गई तो इनकी रिस्पेक्टिव होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर भी आ जाएगी. बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा दूसरी पार्ट. सर मेरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन कंपनी है, ओवरसीज कंपनी है, सर उसके ऊपर भी लगेगा क्या? सर उसके ऊपर भी लगेगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि फॉरेन कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द फॉरेन कंट्री नॉर्म्स. फॉरेन कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द फॉरेन कंपनी नॉर्म. तो जो फॉरेन कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी खुद की करेंसी में, उसके ऊपर इंडेस थोड़ी लगेंगे. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे लग जाएंगे उसके ऊपर? पर जब उसका कंसोलिडेशन करूंगा मैं, होल्डिंग कंपनी जब उसका कंसोलिडेशन करेगी तो वो एज पर इंडेस करेगी. आई समझ में बात की नहीं? मतलब उस फॉरेन कंपनी को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा और इंडेस में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं उसको मर्ज करूंगा. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ओके. उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह हो गया. उसके बाद सर कंपैरेटिव्स क्या होते हैं? कभी नाम सुना है कंपैरेटिव्स? व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव्स? लास्ट ईयर का फिगर्स, बैलेंस शीट्स के और पीएनएल के. इंडेस एक बार अगर आपके 16-17 में अप्लाई हो गए तो वो इक्वली कंपैरेटिव के ऊपर भी अप्लाई करने पड़ेंगे. मतलब 16-17 में जो आपने बैलेंस शीट बनाई है पहली बार इंडेस बेस्ड, तो आपको कंपैरेटिव भी अकॉर्डिंग टू इंडेस ही देने पड़ेंगे. इसका मतलब 15-16 के कंपैरेटिव. सर 15-16 तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो चुका था एएस के अकॉर्डिंग. हाँ यस, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा. ये नहीं बोला जा रहा कि ऑडिट फिर से करो, ऑडिट मत करो, सिर्फ फिगर्स को वापस लाना पड़ेगा इंडेस पे. सर एक सेकंड, फिगर्स को लाना पड़ेगा इंडेस पे मतलब? अरे भाई तेरी असेट्स हैं तो तेरे बैलेंस शीट में दिख रही है, तेरी कुछ लाइबिलिटीज हैं जो बैलेंस शीट में दिख रही है, वो किस हिसाब से दिख रही है? एएस के हिसाब से कि इंडेस के हिसाब से? एएस के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू इंडेस उनको नहीं दिखना चाहिए, पहला केस. अकॉर्डिंग टू इंडेस उनकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, दिखना चाहिए पर कुछ और होना चाहिए, दूसरा केस. तीसरा केस, अकॉर्डिंग टू इंडेस वो दिखनी चाहिए पर एएस में दिख नहीं रही है, उल्टा कुछ भी ऐसा अगर चेंज, तो तेरे को वो अकॉर्डिंग टू इंडेस लाना पड़ेगा. अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इतना समझ में आया? क्लियर? ओके, यहां तक आया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं. नोट्स में आना, नोट्स में आइए, नोट्स पे आइए बच्चों. ओके, हु इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिया टू कॉर्पोरेट्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एमसीए. किसने नोटिफिकेशन इशू किया था? एमसीए ने इशू किया था. एमसीए ने नोटिफिकेशन इशू किया था 16 फरवरी 2015 में, ठीक है ना? 16 फरवरी 2015 में इशू किया था. 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. मैं उन पॉइंट्स को पढ़ूंगा और अंडरलाइन करूंगा,
तो आप साथ साथ स्क्रीन पे भी देखते जाएगा कि मैंने सर ने कहां कहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। 39 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करवाए गए कंपनीज के ऊपर नेटवर्थ बेसिस और लिस्टिंग बेसिस पर, कि लिस्टिंग विस्टिंग के बेसिस पर, और अल्टीमेटली कैसे लिया गया, नेटवर्थ जिसकी 250 करोड़ और मोर होगी उसी के ऊपर अप्लीकेबल किया गया। आप खुद सोचो ना, 250 करोड़ मतलब अनलिस्टेड के बेसिस में बोल रहे हो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फेज वाइज कंप्लायंस ऑफ इंडिया फॉर द कॉर्पोरेट्स, फेज वाइज, यस ये इंपॉर्टेंट है, आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फेज वाइज कंप्लायंस क्या है, इसका पहला फेज वन आपको दिख रहा है, फेज वन पहला फेज वन। अच्छा, कोशिश करके आप मेरे साथ कल की क्लास में आप मार्कर भी लेके आएंगे, मार्कर मतलब सॉरी हाईलाइटर, आप हाईलाइटर भी लेके आएंगे, क्योंकि आई विल यूज द हाईलाइटर कभी कभार किसी किसी टर्मिनोलॉजी पे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, तो आपको भी सेम हाईलाइटिंग, आपको हाईलाइटर यूज करना है कहीं कहीं, ध्यान रखिएगा। सो चलिए, फेज वन ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द इंडियस फ्रॉम, क्या डेट लिखी है बच्चों, 1 अप्रैल 2016। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 16-17 फाइनेंशियल ईयर, क्या हुआ 16, तो इसका कंपैरेटिव कौन सा हो जाएगा, 15-16। अच्छा ओके, किस किस कंपनी के ऊपर लगेगा, फॉलोइंग कंपनी शेल कंप्लाई विद द इंडियंस विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2016। पहला, कंपनीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, और मोर लिखा है मतलब टच 500 करोड़ भी हो गया तो अप्लाई हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, नेटवर्थ कहां कब की देखनी है, ये तो आपने बताया ही नहीं, नेटवर्थ कब की देखनी है सर, 31 मार्च, नहीं नहीं 31 मार्च 16 की नहीं देखनी, नेटवर्थ कहां की देखनी है सोचो, नोटिफिकेशन की डेट क्या थी, 16 फरवरी 2015, तो वो कौन सा ईयर चल रहा होगा उस टाइम पे, 14-15, यस। तो देखो ये तुम्हारा 14-15 चल रहा है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इधर लेके आई फरवरी में, हाँ अब गवर्नमेंट जानती थी अगर मैं नोटिफिकेशन यहां लेके आया हूं, हाँ, और अगर मैंने बोल दिया कि नेटवर्थ देखनी है, ये तो 14-15 है, और अच्छा फेस वन कहां पर हो रहा है, ये 15-16 हो गया और ये 16-17 हो गया, गवर्नमेंट जानती थी कि अगर मैंने ये बोल दिया कि तू नेटवर्थ यहां की देख या यहां की देख, तो साले ये लोग विंडो ड्रेसिंग कर लेंगे, चेंज कर लेंगे ना यार ये लोग, तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, तू यहीं की देखेगा नहीं, तो सबसे पहले नेटवर्थ देखेगा यहां की जिसका ऑडिट हो चुका है, मतलब तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, लॉजिक। तो इसलिए कभी याद करने की जरूरत, कौन सी थी, लॉजिक पे जाओगे समझ में आ जाएगा नेटवर्थ कौन सी देखनी है, कौन सी देखनी है, 31 मार्च 14, समझ में आएगी नहीं, सबसे प्राइमरी नेटवर्थ तेरे को देखनी है 31 मार्च 14 की, सॉरी एक सेकंड, अगर मान लो मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटिंग नहीं थी 31 मार्च 14 को, तो मेरी न्यूली कंपनी है, तो ठीक है, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट ही नहीं थी 31 मार्च 14 को, तो उसके जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उस दिन की नेटवर्थ, जो उसके फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगे कौन से, 31 मार्च 15, अब उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार, वो तो इनकॉर्पोरेट हुई है अभी, तो उसके फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होंगे कौन से होंगे प्रिपेयर, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 मार्च 15 या 31 मार्च 16, वॉट एवर इट इज। अरे समझ में आया क्या, आया क्या, अब एक तीसरा खतरू पॉइंट डाल दिया कि सर मेरी नेटवर्थ यहां पर 490 करोड़ थी, ठीक है, कितनी थी यहां पर, 510 हो गई, आपने तो बोला यहां की चेक करो, यहां की ना चेक करो, मेरे तो 490 सर, नहीं, इंडियस ने बाद में नोटिफिकेशन में एक पॉइंट डाल दिया गया कि आपको सबसे पहले नेटवर्क चेक करनी है 31 मार्च 2014 की और देयर आफ्टर, मतलब अगर वहां सेटिस्फाई नहीं होते हो और फेज वन स्टार्ट होने से पहले पहले किसी भी ईयर में अगर तुमने 500 टच कर लिया तो भी तुम फेज वन में ही आओगे, तुम्हारा अगर गलती से इधर अगर मान लो तुम्हारा फेज वन में नहीं हो पर उसके बाद भी तो तुम्हारे 2 साल अभी भी ईयर एंडिंग बचे हैं ना, तो 16-17 स्टार्ट होने से पहले पहले अगर तुम्हारी 500 टच हो गई तो भी तुम कौन से फेज में आओगे, फेज वन में आओगे। अब समझ में आया, मतलब कहीं से कोई छूटने का चांस ही नहीं, मैंने जो ये समझाया ना, मैं अभी आगे आऊंगा, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, डोंट वरी, वो लिखा हुआ मिलेगा,
वापस चले बेटा आ जाए। ओके 500 करोड़। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़, ठीक है, हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़। और तीसरा, होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ द अबव, इनके ऊपर फेज वन लग जाएगा। मुझे लगता है आपको फेज वन कंप्लायंस प्रॉपर क्लियर हो गया कि नहीं। अब मुझे बताओ फेज वन, फेज वन किस पे लग रहा है, कौन फाइनेंशियल बोलो। हाँ, मान लीजिए आपका ये 16-17 है, मतलब 1/4/16 से 31 मार्च 17, तो टेल मी वन थिंग, व्हाट इज योर फर्स्ट इंड एस बैलेंस शीट डेट। I asked, what is your first Ind AS balance sheet date? 31st March 17. Your first Ind AS balance sheet would be 31st March 17. And what is the comparative along with that? 31st March 16. 31st March 16. अच्छा, एक word है transition date या transition, नाम सुना है कभी भी, जरूरी नहीं कि FR में, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ general, transition क्या होता है? जब कोई नया लॉ आता है, जब कोई नई चीज होती है, तो पुराने से नई में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डेट से कन्वर्जन होता है, उस डेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। व्हाट इज द ट्रांजिशन डेट फॉर जीएसटी, आउट ऑफ द ट्रैक पूछ रहा हूं। 1 जुलाई 2017, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को, तो ट्रांजिशन डेट क्या हो गई, 1 जुलाई 2017। उससे पहले पुराने लॉज चलते थे, स्टेट एक्ट होते थे, वो सबके वैट वैट वाले लॉज चलते थे, है ना। ट्रांजिशन डेट का लफड़ा इंड एस में भी है, पहली बात। अच्छा सर, यहां पर भी ट्रांजिशन डेट है, yes. कैसी ट्रांजिशन डेट है, मजा आ जाएगा सुनकर, सुनो ध्यान से। इंड एस में ट्रांजिशन डेट लाने का रीजन, सबसे पहले इंड एस में लाने ट्रांजिशन डेट आने का रीजन क्या है। यार देखो, ऐसा होता है, आप लोग आईपीसीसी में एएस तो थोड़े बहुत पढ़े हुए हो, ठीक है ना, तो आप जानते हो कि रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। कभी कोई चीज को फॉलो करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली पुराने से लेकर, और कभी कोई चीज को फॉलो करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब यार तू कर क्या रहा है, सोच, तेरी बैलेंस शीट यहां से लेकर इंड एस पे बनेगी, ठीक है, समझना, तेरी बैलेंस शीट यहां पर इंड एस की बनेगी। तो भाई तू सबसे पहले एएस की कोई ना कोई तो बैलेंस शीट अपने बेस में लेगा ना, किसी ना किसी बेस के बेसिस पे, तो तू इन सारे फिगर्स को चेंज करेगा ना, तो तेरी बैलेंस शीट वो कौन सी होगी, पुरानी वाली बैलेंस शीट होगी ना, ये वाली 15-16 वाली, ऑब्वियसली तू 15-16 की बैलेंस शीट हाथ में लेगा, बोलो हाँ। अब समझना मेरी बात, समझना प्लीज। 15-16 इज योर एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्चुअल वाले। यहां पर तुम्हारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट क्लोजिंग नहीं होती, मैंने जानबूझकर क्लोजिंग लिख रहा हूं ताकि उसमें आपको समझ में आए कि उसमें असेट और लायबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। तो तेरी बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस दिख रहे हैं वो सब एएस के अकॉर्डिंग है, बोलो यस। अब इन सारी असेट्स को जो एएस के अकॉर्डिंग है कन्वर्ट करना है किसके अकॉर्डिंग, इंड एस, मतलब जो असेट एज ऑन 31 मार्च 16 को एग्जिस्ट कर रही थी, जो लायबिलिटीज और असेट एग्जिस्ट कर रही थी 31 मार्च 16 को, उसको एएस से बदल के इंडेस में लेके आना है, बोलो, तो तब जाके हम इंडेस फॉलो कर पाएंगे। पर हमारा इंडेस बोलता है कि तुम्हारे कंपैरेटिव भी कौन से होने चाहिए, तुम्हारे कंपैरेटिव भी कौन से होने चाहिए, इंडेस के हिसाब से होने चाहिए, तो पीछे जाना पड़ेगा आप मुझे। इसका मतलब तुम्हारा कंपैरेटिव अगर होना चाहिए इंडेस बेस्ड, तो इसका मतलब मुझे यहां की असेट लायबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे और पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे का मतलब हुआ बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, बिगिनिंग ऑफ क्या डेट बोलूंगा, नहीं बिगिनिंग बेटा, बिगिनिंग 1 अप्रैल 2015 बोला गया ये तेरी ट्रांजिशन डेट होगी। क्या होगी ये, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन डेट, जिस दिन से तुम पूरा प्रीवियस गैप से इंड एस में कन्वर्जन करोगे, जिस दिन से तुम प्रीवियस गैप से इंड एस में कन्वर्जन करोगे, इसका मतलब तुम कौन से असेट लायबिलिटी चेक करोगे इंड एस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 अप्रैल 2015
15 के फॉर द फेज वन, फॉर द फेज वन। फेज टू सोचो सोचो सोचो, पहले तो ये सोचो फेज टू कौन सा ईयर होता है, 17-18, तो उसका कंपैरेटिव कौन सा हुआ 16-17, तो उसका बिगनिंग कौन सा हुआ 1 अप्रैल 16। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन डेट, ट्रांजिशन डेट मींस द बिगनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन डेट, बोलो मेरे साथ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन डेट, बिगनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। कुछ आया समझ में कि नहीं? और ये ट्रांजिशन क्यों, हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये डेट, व्हाट इज द रीजन क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस दिन से हम असेट लायबिलिटीज को बदलेंगे इंडेस में। आपको नहीं लगता आप साला इंडेस यहां लगा रहे हो, पर आप रिट्रोस्पेक्टिवली बदल कहां से रहे हो, बोलो ना यार, अप्रैल 15 से। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंडेस। सर थोड़ा सा और क्लियर करो, सुनो, नाम सुना है पीपी, इसका इंडेस का नाम है 16, क्या नाम है 16 पीपी, इसका पुराना स्टैंड पुराना एएस कौन सा था, एएस 10, नाम क्या था, AS6 था डेप्रिसिएशन, बेटा सही बोल रहे हो, AS6 था डेप्रिसिएशन जो डिलीट हो गया, अब AS10 था, पहले उसका नाम हुआ करता था फिक्स असेट्स, फिर उस AS10 को भी चेंज करके नाम कर दिया पीपी, AS10 हुआ करता था, ठीक है, बात को समझना। अब मान लो तुम्हारा AS10 की कुछ रूल्स अलग हैं और इंडिया 16 के कुछ रूल्स अलग हैं, तुम्हारे पास एक मशीन रखी है, तुम्हारे पास एक बिल्डिंग रखी है जो 10 साल पुरानी है, कितने साल पुरानी है 10 साल पुरानी है, तुम 10 साल से उसके ऊपर क्या लगाते आ रहे हो, AS10, प्रीवियस गैप में बैठे हो ना तुम तो अभी इंडिया में आई नहीं फाल, मान लो अभी तुम फेज वन में आने वाले हो, सपोज अभी तुम फेज वन में आने वाले हो, तो तुम अभी तक क्या लगा रहे हो उसके ऊपर, बेटा AS को आज के बाद मैं प्रीवियस गैप बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो तुम उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रीवियस गैप, किसके ऊपर, पीपीई के ऊपर, मतलब मशीन और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रीवियस गैप लगा रहे हो, ठीक है ना। इंडिया 16 की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया 16 बोलता है तुम जब भी मुझे पहली बार लगाओगे, जब तुम मुझे पहली बार लगाओगे किसी एग्जिस्टिंग पीपीई के ऊपर, तो तुम्हें मुझे रिट्रोस्पेक्टिवली लगाना पड़ेगा उस असेट के ऊपर। ये किसकी रिक्वायरमेंट है, इंडिया 16 की, जब भी तुम मुझे किसी एग्जिस्टिंग पीपीई के ऊपर लगाओगे तो तुम्हें रिट्रोस्पेक्टिवली लगाना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जब तुमने ये एसेट खरीदी तब से, ओ माय गॉड 10 साल पहले से मुझे इंडेक्स लगाना पड़ेगा, हाँ तेरे को 10 साल के पहले से लगाना पड़ेगा, और आज चेक करनी पड़ेगी 10 साल से लगाता अगर मैं इंडेक्स तो आज क्या वैल्यू होनी चाहिए थी। ये किसने बोला, इंडिया 16 ने। ऐसे साला हर कोई अपना अपना इंडेक्स बोलना रहेगा कि तेरे को ये लगाना है, तेरे को वो लगाना है, तेरे को वो लगाना है। इसीलिए एमसीए जब नोटिफिकेशन लाया ना, एमसीए ने बोला यार इतना रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, नहीं तो कॉर्पोरेट्स कभी अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे इंडेक्स को। मैंने बोला ना 2011 से 15 तक कहानी क्यों खींची, क्योंकि नोबडी वॉज रेडी और सबको लग रहा था यार ताम झाम रिट्रोस्पेक्टिव इतना सारा, तो इसीलिए एमसीए ने बोला डोंट वरी, रिट्रोस्पेक्टिव हेयर मीन्स फ्रॉम द डे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। कि अब साला कोई भी स्टैंडर्ड लगा तू सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर के बिगनिंग से लगा बस, बाकी छोड़, कोई भी असेट हो चाहे वो 20 साल पुरानी हो तू 20 साल पहले का रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा, तू सिर्फ बिगनिंग ऑफ प्रीसीडिंग ईयर से तू रिट्रोस्पेक्टिव लगाएगा। अब मेरी बात समझ में आएगी नहीं, तो इसका मतलब इंडेस का इंप्लीकेशन रिट्रोस्पेक्टिव होता है, yes, कोई पूछे हाँ होता है, बट पूरा रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, कहां से होता है, ट्रांजिशन डेट से होता है, और ट्रांजिशन डेट क्या होती है, जिस साल में इंडेस पहली बार अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन का प्रीसीडिंग ईयर का बिगनिंग विल बी योर ट्रांजिशन डेट। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, ठीक, आ जाओ। अगर तुम्हें पॉइंट समझ में आया है तो इस टेबल को देखो अगले पेज पर। टेबल को देखकर आपको पहले कॉलम में दिख रहा होगा कंप्लायंस दिख रहा है क्या, कंप्लायंस में सेकंड नंबर वाला रो मैंडेटरी कंप्लायंस पे आओ, पहले मैंडेटरी, फेज वन का मैंडेटरी कंप्लायंस कौन से ईयर से है, तो इसका मतलब उसकी पहली बैलेंस शीट कौन सी बनेगी, अरे पहली बैलेंस शीट डेट कौन सी होगी, 31 मार्च 17 लिखा है ना, दैट इज ईयर एंडिंग 31 मार्च 17, तो बताओ उसका कंपेरेटिव कौन सा होगा, 15-16, इसका मतलब 31 मार्च 16,
तो बताओ उसका ट्रांजिशन डेट कौन सा होगा? 1 अप्रैल 15। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? हाँ पक्का सर? वेट अ सेकेंड सर, ये हेडिंग क्या लिखिए? ट्रांजिशन डेट फॉर ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट। सर ये ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट क्या है? तुम रिट्रोस्पेक्टिव कहां से कर रहे हो? ट्रांजिशन डेट से। हाँ तुम कौन सी असेट्स लाइबिलिटीज को प्रीवियस गैप से इंडियस में लेके आ रहे हो? जो असेट्स लाइबिलिटीज तुम्हारी 1 अप्रैल 2016 में आ रही होंगी, 2015 में आ रही होंगी, 31 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015, बात तो एक ही है ना, इट इज वन इन द सेम थिंग ना। 31 मार्च 2015 का ऑडिट हो चुका होगा किस हिसाब से? प्रीवियस गैप की इंडियस, प्रीवियस गैप। तो 1/4/15 को जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे वो प्रीवियस गैप के होंगे कि इंडियस के होंगे? तो उन्हीं ओपनिंग बैलेंसेस को तुम किस में चेंज कर रहे हो? इंडियस में। तो दिस नोटिफिकेशन रिक्वायर्स यू कि जब तुम चेंज कर ही रहे हो तो एक नई बैलेंस शीट ही बना लो, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो। किसके बेसिस पर? प्रीवियस गैप, प्रीवियस गैप, प्रीवियस गैप तो बनी हुई है ना बैलेंस शीट, किस बेसिस पर बनाओगे? इंडेस की बैलेंस शीट बनाओगे ट्रांजिशन डेट पर। कौन सी डेट पर? ट्रांजिशन डेट पर तुम्हें इंडेस की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है इंडेस की। आया समझ में कि नहीं? सर इसका मतलब पहले साल जब फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हो रहा है तो 3-3 बैलेंस शीट बनेंगी? हाँ कौन सी 3? ईयर एंडिंग 17 करंट ईयर, ईयर एंडिंग 16 कंपैरेटिव, 1/4/15 ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट। सर एक सेकंड, ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट हर साल बनेगी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके इससे ऊपर वाला क्या लिखा है? मैंने ऊपर वाला रो छोड़ दिया, वॉलेंट्री कंप्लायंस। हाँ नोटिफिकेशन ने बोला अगर तुम लोगों की इच्छा है, कुछ ज्यादा ही मचल हो रहा है कि हाँ करना है करना है करना है इंडियस इंडियस इंडियस, तो एक साल पहले भी कर सकते हो अप्लाई, मतलब 15-16 से भी लगा सकते हो अगर चाहते हो कि यू आर रेडी और तुम लगाना चाहते हो टेस्टिंग बेसिस पर, तो तुम वॉलेंट्री कंप्लायंस कर सकते हो। हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम 15-16 से इंडेक्स लगाओगे। बताओ बेटा अगर 15-16 से लगाओगे तो पहली बैलेंस शीट कौन सी? ईयर एंडिंग 16, तो कंपैरेटिव कौन सा? ईयर एंडिंग 15, तो इसका मतलब ओपनिंग कौन सा? 1 अप्रैल 14, ओपनिंग तुम्हारा ट्रांजिशन हो गया 1 अप्रैल 14। नेटवर्थ कब की देखनी है? हमेशा पहली नेटवर्क याद है कौन सी देखनी है? 31 मार्च 14। इसलिए वॉलेंट्री उधर तक ही दिया, वॉलेंट्री इससे पहले दिया ही नहीं। आ रहा है समझ में? फेज टू कंप्लायंस मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद पढ़ना है। जल्दी पढ़ के मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी इंटरप्रिटेशन करो फेज टू कंप्लायंस का, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फेज टू कंप्लायंस जल्दी। पढ़ लिया क्या? समझ में आया? फेज टू कब से लगेगा? 17-18, तो इसका मतलब फर्स्ट बैलेंस शीट कौन सी? 31 मार्च 18 कंपैरेटिव, 31 मार्च 17 ट्रांजिशन, 1 अप्रैल 16 वेदर वॉलेंट्री कंप्लायंस अवेलेबल और नॉट अवेलेबल है ना, वॉलेंट्री एक साल पहले कर सकते हो कि नहीं? वैसे मैंडेटरी कब से है? 17-18 से, तो वॉलेंट्री कब से हो गया? 16-17 से। ठीक है, फेज टू में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी?
all listed having net worth less than 500, है ना, less than 500, बोलो ना बेटो. दूसरा, all unlisted company having net worth less than 500 but more than or equal to 250 crores. Holding subsidiary इसमें है कि नहीं है? ठीक. Question number third. What will be the net worth for the above purpose? Net worth क्या होगा? Net worth क्या होगा? ठीक है, आइए. पहली बात तो आपको नेटवर्थ कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का देखना है, अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि ग्रुप के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? तो आपको नेटवर्थ देखना है अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. किसका देखना है? ये रहा आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन, क्या डेट लिखी है, हाईलाइट, एज ऑन 31 मार्च 2014 की आपको नेटवर्थ देखनी है. उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा ना, मैंने क्या बोला था, है ना, 31 मार्च 2014 की. और के बाद देखो और लिखा है, या फिर और आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विच एंड्स आफ्टर 31 मार्च 2014. या तो 31 मार्च 2014 की या तो 31 मार्च 2014 के बाद जो भी पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होगा. आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर बी मुझे पढ़ के बताओ जल्दी, क्या इंटरप्रिटेशन है? मैंने थोड़ा बहुत समझाया था शायद आपको. ये नोटिफिकेशन किसके, ये पॉइंट किसके लिए है? ऐसी कंपनी जो 31 मार्च 2014 को नहीं थी, है ना, बोलो बेटा. तो उनके लिए कब की देखोगे? जो भी फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर 31 मार्च 2014. चलो, नेटवर्थ में क्या आता है? नेटवर्थ में ये अलग से नहीं दिया गया, आपको नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं. ये नेटवर्थ की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट से ली गई है कि नेटवर्थ में क्या आता है. ये नेटवर्थ एज पर कंपनीज एक्ट है, ये कोई अलग नेटवर्थ नहीं है. ये कंपनीज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोला फॉर दिस पर्पस नेटवर्थ शैल बी इक्वल टू द नेटवर्थ डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट. तो ये डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट है बेटा, ये कोई अपना इंडिया का नेटवर्थ अलग नहीं है, एज पर कंपनीज एक्ट है. बताओ क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर, इसका मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे. ठीक है, दूसरा फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व, एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर excluding return back of depreciation. ठीक, ये आपका आ जाएगा नेटवर्थ का डेफिनेशन. नेटवर्थ में ये सब आ जाएगा. बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? समझ आया यहां तक? अच्छा, थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ के बताओ जल्दी, मैंने आपको समझाया है कुछ इसके बारे में. थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ के बताओ जल्दी. बताया था मैंने, मेरी कोई फॉरेन कंपनी है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने खुद के ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग बनाएगी, इंडियास के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगी, बट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडियास में कन्वर्ट किया जाएगा. बोलो बेटा समझ में आएगी नहीं? ओके, पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट वापस से पेज पे आ जाओ. उसी भाई, इंडियास वंस रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन अकॉर्डिंग विद द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 शैल अप्लाई टू बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट. अच्छा हाँ, अगर एक बार तुम्हारे ऊपर इंडियास लग गए, वो तुम्हें इंडेस अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के ऊपर लगेंगे, तुम्हारे दोनों के ऊपर लगेंगे. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो. अच्छा एक चीज सुनो ध्यान से, ये तो तुम्हारे एएस हुआ करते थे ना, ऐसा नहीं कि एएस खत्म हो चुके हैं, एएस हैं. बताओ क्यों? 250 के नीचे अनलिस्टेड, 250 के नीचे अनलिस्टेड, वो बेचारी कहां जाएंगी, वो तो एएस ही फॉलो करेंगी ना. तो इसका मतलब एएस है. एएस कंपनीज एक्ट 2013 भी बोलता है कि कंपनीज को, अरे कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ सेक्शन है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, छोड़ो फालतू हम क्यों पढ़े जो हमने पढ़ा ही नहीं है, हटाओ. कंपनीज एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग कुछ सेक्शन है,
ठीक है, कि कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, तो वो कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्या बोलता है, मस्ट बी कंप्लाइड विथ एएस और इंडे। तो जब वो बोलता है ना एएस, तो वो लिखता है, वो लिखता है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। पर जब वो लिखता है ना इंडे एस, तो वो लिखेगा कंपनीज इंडे एएस रूल्स 2015। वाई 2015? नोटिफिकेशन ही 2015 में आया था ऐसा, तो इसलिए आपको बार बार कहीं ना ब्रैकेट में लिखेगा मिलेगा, देखो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। समझ आया? आगे, अच्छा ये कंपनीज बेचारे नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये वही का वही पॉइंट है रिपीटेड। ओके लास्ट, अगले पेज पर, इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर और अदर सिमिलर एंटिटीज ऑफ अ फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंड एएस ईदर वॉलंटरी और मैंडेटरी इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। मुझे कोई बताएगा इसका मतलब? उल्टा हो गया इस पॉइंट का, उल्टा हो गया थर्ड वाले पॉइंट का, ये उल्टा वाला हो गया, बताओ क्या? मैं सब्सिडरी हूं और मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरा होल्डिंग कंपनी बाहर है, उसके ऊपर तो इंडेक्स नहीं लगेगा, क्या मेरे ऊपर इंडेक्स लगेगा? लगेगा कि नहीं? येस और नो कैसे बोल सकते हो? मेरी इंडिविजुअल नेटवर्थ के बेसिस पर अगर लगेगा तो मुझे इंडेक्स लगाना ही पड़ेगा, चाहे मेरा होल्डिंग इंडेक्स लगा रहा है नहीं लगा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे ऊपर लगेगा। बात समझ में आएगी? नहीं, अरे बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? तो ये था आपका रोड मैप ऑफ इंडेक्स, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई कि नहीं? टेल मी गाइस, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अपन? चलो आगे। सर आपने बोला था कि जो ये 16 फरवरी 2015 का नोटिफिकेशन आया था, इसमें कौन कौन सी कंपनीज नहीं थी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। तो सर उनका क्या? उनका ये रहा इंडेक्स फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी, इनका नोटिफिकेशन अलग से आ गया, और इनका नोटिफिकेशन आ गया था वो तो अगले साल ही आ गया था, फिर डिले किया गया। बैंक में आरबीआई ने अपनी टांग अड़ाई कि नहीं 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 रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को अभी थोड़ा सा और खिलाऊं पिलाऊं अच्छे से। फिर इंश्योरेंस में आईआरडीए ने टांग अड़ाई, फिर एनबीएफसी ने बोला यार मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है, मतलब मैं तो सगा बेटा हूं ही नहीं अपने आरबीआई का, हाँ तो मेरे को भी कुछ दो। तो उनको भी हल्के फुल्के कुछ चीजें बताई गई। पहले बैंकिंग और बैंकिंग कंपनीज के ऊपर इनिशियली इट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 18-19। कैसे 18-19 याद कैसे करना है सोचो, सबसे पहले फेज वन, फेज टू, तो फेज थ्री था बैंकिंग का 18-19, पर वो 18-19 कट कर दिया गया, फिर बाद में चेंज कर दिया, अमेंडमेंट आ गया। तो अब क्या है, कैसा है, आपको सबसे पहले इस पूरे टेबल को कैसे याद रखना है? सबसे पहले चार कंपनीज हैं, पहली का नाम पढ़ो, ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, लाइक एसआईडीबीआई, जो एसआईडीबीआई सुना होगा ना आपने नाम, और नाबार्ड, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, ये इसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। दूसरी कंपनी का नाम क्या है? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और तीसरा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, वो जो क्या बोलते हैं अपन, जैसे सहकारी कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप से, हाँ। और फोर्थ इंश्योरेंस, सबसे मस्त बेनिफिट, नीचे से चलते हैं, सबसे मस्त बेनिफिट मिला है इंश्योरेंस कंपनीज को, कब से एप्लीकेबल करना है, मैंडेटरी। देखना ऊपर हेडिंग क्या है इस कॉलम की, 1 अप्रैल 2020, मतलब अभी वो ईयर आया ही नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं लोग, हाँ आएगा आएगा। इंश्योरेंस के ऊपर कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2020, समझ में आएगी? नहीं, चलो इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 19, ठीक है, 20 इंश्योरेंस, 19 बैंकिंग, अरे बोलो यार, उसके थोड़ा सा ऊपर चलो एनबीएफसी 18। देखो कैसे याद रखना है, सुनो, सबसे पहले नॉर्मल,
फेज वन क्या है? नॉर्मल फेज वन, नॉर्मल फेज वन 16-17, लिस्टेड अनलिस्टेड 17-18, लिस्टेड अनलिस्टेड बोलो ना बेटा 18-19 एनबीएफसी बोलो बेटा, और ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। आई बात समझ में कि नहीं? और मतलब 18-19 में दो कंपनीज और जुड़ गई, कौन सी कौन सी? ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी। कौन सी कौन सी एनबीएफसी? पढ़ो, सेम टू सेम लगेगा आपको, पढ़ो। 500 करोड़ और मोर, मतलब एनबीएफसी को वैसे ही बनाया गया है जैसे फेज वन फेज टू है, 500 करोड़ और या फिर उसके बाद। चलो बताओ 500 करोड़ के नीचे है तो एनबीएफसी, अगर 500 करोड़ के नीचे तो 18-19 में तो नहीं आएगी, 19-20 में आ सकती है क्या? आ सकती है, 250 या उससे ऊपर है अगर अनलिस्टेड है तो, और अगर लिस्टेड है तो फिर कोई भी हो। आई वाइस समझ में कि नहीं? चार्ट क्लियर है पूरा कि नहीं? कैसे याद रखना है 16-17 जल्दी बोलो। फेज वन क्या, कौन सी कंपनीज? लिस्टेड अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ अब इक्वल टू और मोर देन, ठीक है 16-17 फेज टू, ऑल लिस्टेड ऑल अनलिस्टेड बिलो 500 बट इक्वल टू और मोर देन 250। अच्छा 17-18 हो गया ना, हाँ 18-19 ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस 18-19 में, और एनबीएफसीज हैविंग नेटवर्थ 500 और मोर, दैट्स इट। ये क्या हो गया 18-19 1920 1920, यही एनबीएफसीज लेस देन 500, अरे बोलो ना, इक्वल टू और मोर देन 250 इफ दे आर अनलिस्टेड, और अगर इफ दे आर लिस्टेड देन लेस देन 500 ऑल एनबीएफसी। क्या बोला अपन ने 1920, और 1920 में ही बैंकिंग कंपनीज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, बोलो बेटा याद आ गया कि नहीं? अच्छा फिर 2020 इंश्योरेंस कंपनीज। अब पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया कि ईयर वाइज स्ट्रक्चर याद होगा कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा। वैसे हम कौन से ईयर में अभी खड़े हैं, हमारा फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है अभी, तो इसका मतलब किसके ऊपर अभी स्टार्ट हो चुका है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग सर्विसेज ऑफ बिग फोर्स। बिग फोर्स की स्टार्ट हो चुकी है सर्विसेज, और बहुत सारे बैंक्स में स्टार्ट हो चुका है कंप्लायंस होना, ठीक है। अभी मंथ कौन सा चल रहा है? जून। जून जैसे ही खत्म होगा तो फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आएंगे बैंकिंग के, वो इंडेक्स के हिसाब से आएंगे। अच्छा कैसे देखोगे? अगर तुम लोगों को देखने की उत्सुकता है, फ्री में देखना है, तो कैसे देखोगे? आप जाओगे एनएससी की वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे, वहां सर्च का कॉलम होगा। सर्च के कॉलम में आप किसी भी कंपनी, बैंकिंग कंपनी का नाम डालना, किसी भी बैंकिंग कंपनी का नाम डालना जो लिस्टेड होती है, अगर वो लिस्टेड है तो, जैसे SBI, किसी भी कंपनी का नाम डालोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा नाम डालना। नाम डाल के तुम्हारे सामने उसकी सामने ईयर आ जाएंगे कि तुम्हें कौन से ईयर देखना है। तुम करंट ईयर सेलेक्ट करना, फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट करना, तुम्हारे पास बोर्ड मीटिंग आ जाएगी सामने, उसका मीटिंग का पेपर आ जाएगा सामने, और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाएंगे फर्स्ट क्वार्टर के। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर के आ जाने चाहिए जुलाई एंडिंग तक बैंकिंग कंपनीज के, तो तुम देख सकते हो कि हाँ उनके इंडियाज बेस्ड हैं कि नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो ओके। वॉलंटरी अडॉप्शन इज नॉट परमिटेड फॉर बैंक्स एनबीएफसीज इंश्योरेंस, मतलब ये वॉलंटरी कंप्लायंस क्या था? वन ईयर बिफोर इनके लिए नहीं, तेरे को नहीं करना, तुम बैंक को भाई, तुम रिस्क मत लो। आई बात समझ में कि नहीं? तुम बैंक इंश्योरेंस हो, तुम रिस्क मत लो, क्लियर है कि नहीं? तो तुम्हारे ऊपर वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं है। एंटिटीज नॉट कवर्ड इन द रोड मैप शेल कंटिन्यू टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट प्रेजेंट, वो हमने बात कर ली, जो कवर्ड नहीं है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलाएंगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो बेटा क्लियरली बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बोलो। ओके सो दिस वॉज द रोड मैप फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रोड मैप फॉर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मेरी बात यहां तक क्लियर है कि नहीं? एज सच ये सिर्फ आपको एक टॉपिक समझाया गया कि कैसे इंडिया से अप्लीकेबल होगा, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है क्योंकि ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, पर ठीक है पता होना चाहिए पहले से कि नेटवर्थ उसके लिए क्या है, कैसा रहेगा। यहां तक क्लियरिटी सबको? चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।
come to the next version, next part, which is schedule 2. Schedule 3, sorry. Schedule 3. स्पीड फास्ट तो नहीं लग रहा फिलहाल, स्पीड फास्ट तो नहीं लग रहा ना, ओके. शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013. रुक जाइए, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो शेड्यूल 3 का. शेड्यूल 3 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए. बेटा शेड्यूल 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट की बात करता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आमतौर पर क्या क्या चीजें आती हैं? पीएनएल, कैश फ्लोस और इन तीनों के सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड दोनों आते हैं, ठीक है. और इसके अलावा नोट्स, यही आता है. शेड्यूल 3 बात करता है इनके फॉर्मेट की और क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना चाहिए और नोट्स में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा डिस्क्लोज करनी चाहिए, फ्रंट फेस पे क्या आना चाहिए और नोट्स पे क्या आना चाहिए, ये सारी बातें शेड्यूल 3 करता है. कैसे बोलता है वो बात, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं. बैलेंस शीट का उसने फॉर्मेट दिया, फिर नीचे उसके जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिए कि बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और इनके डिस्क्लोजर्स आपको ऐसे 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 देते जाने. मैंने इन नोट्स में सिर्फ उतना पार्ट कवर किया है जो पार्ट हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पढ़ के जाना है. अगर आपको नॉलेज चाहिए कभी भी आप कहीं जॉब करोगे, कहीं जाओगे जॉब करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज बिल्कुल डीप में कहां कैसे क्या लिखना है. वो उसके लिए आपको बेयर एक्ट ही लेना पड़ेगा उसका, कि वो शेड्यूल 3 का मैं बेयर पार्ट ले लूं और वहां से पढ़ूं. आई बात समझ में? नहीं. तो मैंने यहां पर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड के लिए लिखा है कि कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है. जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने भी लिखे हैं बट सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पूरे जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे. अगर पूरे लिखने बैठता तो कम से कम इसके 15 पेजेस हो जाते शेड्यूल 3 के, और आधे घंटे बाद आप एक एक करके सोना शुरू कर देते, तो वो चीज नहीं होना जरूरी है, ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाओ. शेड्यूल 3 को 3 डिविजन में बनाया गया है. शेड्यूल 3 को उसमें 3 अलग अलग डिविजन है. डिवीजन 1, डिवीजन 1, डिवीजन 1 एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है. कौन से? मतलब कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के लिए डिवीजन 1 है. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. जो चीज सिलेबस में नहीं है बोलो और शक्ल देखो बच्चे की, वो कितना खुश हो जाता है, लगता है हाँ यार ये तो अच्छी बात बोल दी. दूसरा, डिवीजन 2 ये इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है. ऑब्वियसली हमारे इस सिलेबस में होना ही होगा क्योंकि इंड एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. एंड डिवीजन 3 ये बैंकिंग कंपनीज के लिए, किसके लिए है? बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है. मतलब हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ डिवीजन 2, हमें डिवीजन 2 समझना है. आप जब अपनी बुक में आओगे देखोगे तो मैंने डिवीजन 2 ऊपर हेडिंग डाल दिया है. मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ डिवीजन 2 है, मैंने आपको उसमें डिवीजन 2 ही कवर किया है बस. अरे समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, डिवीजन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन कंप्लायंस विद द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015. ठीक है बेटा. अच्छा,
शेड्यूल थ्री, अब मैं बार बार डिवीजन टू नहीं बोलूंगा, शेड्यूल थ्री बोलूंगा, समझ जाना डिवीजन टू है। शेड्यूल थ्री क्या बताता है? शेड्यूल थ्री टॉक्स अबाउट द फॉर्मेट। मुझे सुनो पहले, छोड़ो मुझे देखो। शेड्यूल थ्री टॉक्स अबाउट द फॉर्मेट फर्स्ट। शेड्यूल थ्री टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। हर कंपनी को बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त क्या क्या डिस्क्लोजर करने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये शेड्यूल थ्री कहता है, रुक जा, मैं जो तेरे को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तेरे को अप्लाई करनी है और इंडेस वाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं करनी है। वो तो तेरे को करनी करनी है, एडिशनल है। मेरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एडिशनल है भाई। इंडेस को रिक्वायरमेंट बताएगा कौन सा इंडेस, जो भी स्पेसिफिक इंडेस जहां जहां लगने होंगे उनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अलावा ये एडिशनल है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, मान लो मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तेरे को तरीका बताया पर वो प्रेजेंटेशन का तरीका इंडेस के अगेंस्ट है, इंडेस के अलावा, मतलब इंडेस में कुछ और बताया गया और मैंने कुछ और बताया, तेरे को इंडेस लगाना है। तेरे को क्या लगाना है? इंडेस लगाना है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी चीज होगी तो। अंडरस्टूड गाइस? पक्का? आइए एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल आर इन एडिशन, हाईलाइट कर दो, आर इन एडिशन एंड नॉट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन इंडेस। मतलब इंडेस में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई गई है उस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अलावा इसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई गई वो एडिशन में है, वो ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूट में है। ठीक है सर, क्या हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, फिगर्स को राउंडिंग ऑफ में लिख सकते हैं? राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है? ये रहे तुम्हारे राउंडिंग ऑफ के रूल्स, राउंडिंग ऑफ के रूल्स, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलूं इंपॉर्टेंट, मैं कभी अगर बोलूं एग्जाम या ई लिखूं तो समझ जाना कि एग्जाम टाइम में मुझे उसको रिवाइज करके जाना है, थॉरली अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है ना? अभी तो मैं उसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी द फिगर्स अपियरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडेड ऑफ। अच्छा, टर्नओवर के बेसिस पे तुम राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई कर सकते हो। क्या टर्नओवर बोला है बेटा? पहला लेस देन 100 करोड़, हाँ, लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर होगा। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ सर, अरे मैं बिलियंस और मिलियंस में पूछ रहा हूं। हाँ, वन बिलियन टू द नियरेस्ट। अगर तुम्हारा 100 करोड़ से नीचे है तो क्या लेके जाओगे? जल्दी बोलो, नियरेस्ट क्या? नियरेस्ट 100, मतलब 00 फिगर में लिखोगे, 00 फिगर में, अपन ऊपर ब्रैकेट में लिखते ना इन 00 ऐसा, या फिर हंड्रेड्स में लिख सकते हो, थाउजेंड्स में लिख सकते हो, लैक्स में, या फिर मिलियंस। 1 million इज इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है? सो 100, 1000, lakhs, millions, कब? जब टर्नओवर लेस देन 100, और अगर करोड़ उससे ऊपर हो जाए तो स्टार्टिंग के हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को काट दो, फिर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को काट दो, कहां से शुरू हो रहा है? लैक्स, मिलियंस और क्रोर्स, किसको काट दिया? हंड्रेड्स और थाउजेंड्स को काट दिया। इसका मतलब राउंडिंग ऑफ के रूल्स कैसे लगेंगे? ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है वो राउंड ऑफ कर सकती है, और करना ही पड़ेगा उसका राउंड ऑफ। इतना 100 करोड़ से ऊपर है तो ऑब्वियसली उसका राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ की शुरुआत वो कहां करेगा? मिनिमम लैक्स में, मिनिमम लैक्स, मैक्सिमम करोड़, बीच में कौन आ गया? मिलियन। और अगर 100 करोड़ से नीचे है तो, 100 करोड़ से नीचे है तो राउंडिंग ऑफ की शुरुआत मिनिमम कहां से? हंड्रेड्स, मैक्सिमम मिलियंस। ये बात समझ में बेटा? दिस इज योर राउंडिंग ऑफ रूल्स।
Once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the financial statements. पिछले साल तुमने इन थाउजेंड्स में किया था, इस बार भी तुम इन थाउजेंड्स करोगे जब तक तुम्हारा टर्नओवर का रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो जाता. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंटेन करेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स, मतलब कंपैरेटिव फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड फॉर ऑल द आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग नोट्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेड बिफोर द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव फिगर भी लिखने हैं तुम्हें. तुम्हें क्या लिखना है? सिर्फ पहले साल को छोड़कर. पहला साल मतलब जब तुम इनकॉर्पोरेट हुए तो तुम्हारा कंपैरेटिव फिगर तो कुछ होगा ही नहीं ना. तो फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन को छोड़कर तुम्हारे हर साल कंपैरेटिव फिगर लिखना जरूरी है. अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कंपैरेटिव की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है. थोड़ी देर पहले पढ़ के आए अपन कंपैरेटिव का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है. ट्रांजिशन डेट और ये दुनिया भर की चीजें तो उस पर टिकी हैं पूरी. तो कंपैरेटिव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. कंपैरेटिव फिगर आपको लिखने हैं. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके. अच्छा बच्चों ये आ जाओ, फॉर्मेट है आपके बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट का फॉर्मेट नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट. ये नेम ऑफ द कंपनी और बैलेंस शीट एज एट पूरा फॉर्मेट है. ठीक है, आइए अपन देखते हैं किस तरीके से. सबसे पहले याद कैसे रखना है, छोड़ो थोड़ा सा माइंड को, थोड़ा सा सिंपली ऐसा सोचो कि सबसे पहले अभी तक अगर हमने आईपीसी में थे, इंटरमीडिएट में थे, तो सबसे पहले हम जब बैलेंस शीट बनाते थे तो हमारी स्टार्टिंग होती थी बैलेंस शीट की वर्टिकल फॉर्म में. बैलेंस शीट में स्टार्ट होती थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज से, फिर असेट से चलते थे. इनडेस में उल्टा होता है, इनडेस में उल्टा होता है. पहले असेट्स आते हैं फिर इक्विटी लायबिलिटीज आता है, ये याद रखना. पहले क्या आते हैं? असेट्स. पहले आते हैं असेट्स, फिर आता है इक्विटी लायबिलिटी. अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? पहले क्या आते हैं? असेट्स. पहले आते हैं आपके असेट्स. सो पहले अगर असेट्स आते हैं तो असेट्स में नॉन करंट असेट्स आ रहे हैं पहले. ठीक है, अब पेंसिल या पेन वॉट एवर यू हैव साथ में होना चाहिए. ठीक है, पहला नॉन करंट असेट्स, पहला आइटम कौन सा है? उसके नीचे कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड, इसको लिखो इंड एस 16. हाँ, सेकंड बोलो, सेम इंड एस 16. नेक्स्ट कौन सा है? इंड एस 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नाम है उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, गुडविल, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो इंड एस 103, बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है, अदर इंटेंजिबल असेट एंड इंटेंजिबल असेट अदर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट. इंडेस 38, इंडेस 38. ठीक है, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, शायद माइट भी आपको लगेगा ठीक है सर लिखवा रहा हूं क्या इंपॉर्टेंस. अभी इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, जब आप एग्जाम में रिवीजन करोगे ना तो मजा आएगा आपको पढ़ के. हाँ यार, ये तो इसका इंडेक्स ये है, इसका इंडेक्स है, अच्छा हाँ इसका ये इंडेक्स, इसका ये इंडेक्स, आप आपके माइंड में चलता जाएगा चीजें. एग्जाम टाइम के लिए लिखवा रहा हूं, अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए आप कल तक तो भूल भी जाओगे इस चीज को. ठीक है ना, तो ये सिर्फ ऐसे लिखवा रहा हूं आपको, एग्जाम टाइम में लिटरली आपको इसका फील आएगा कि कैसे करना है. बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स इंडेस 41, एग्रीकल्चर. इंडेस 41 एग्रीकल्चर. फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स खतरनाक स्टैंडर्ड, हॉट टॉपिक ऑफ एफआर. इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा सुनो, एक सेकंड सुनो मेरी बात. ये जो फाइनेंशियल असेट है ना,
फाइनेंशियल एसेट के नीचे क्या क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स. बेटा ये फाइनेंशियल एसेट्स के नीचे है एक्चुअली. ये ए बी सी, ये तीन कैटेगरीज हैं फाइनेंशियल एसेट्स के नीचे. ऐसे हेडिंग करके लिख दो, जैसे मैंने किया है वैसे करो. तो ये तीन इसके अंडर है फाइनेंशियल एसेट्स में. ये तीन चीजें हैं क्या क्या? इन्वेस्टमेंट्स, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ठीक है ना, वगैरह. तो ये आ गया आपका फाइनेंशियल एसेट. दूसरा क्या है? ट्रेड रिसीवेबल. नॉन करंट में आ रहा है मतलब लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे. मतलब कौन से नेचर के होंगे? लॉन्ग टर्म नेचर. उसके बाद क्या आ रहा है? लोन्स. ये तीनों के ऊपर क्या लगेगा? तीनों के ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा? इंडेक्स 109 and 32. 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 32 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है. डिफर्ड टैक्स असेट कोई बताएगा? इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस. सर ये नेट क्यों लिखा है? डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और असेट का नेट, ठीक है. और अदर नॉन करंट असेट्स में तो मिसलिनियस बहुत सारे लग सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें नाम नहीं दे रहा हूं. ये आपको समझ में आया? समझ में क्या आया, इसमें कुछ समझ में का बात ही नहीं था, ये तो लिखना था बस, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. करंट असेट्स बताते जाओ. ये तो बता ही सकते हो यार पहला. हाँ एक सेकेंड. इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 3 इंडेक्स 7 ओके चलो. इन्वेंट्री इंडेक्स 2 इंडेक्स 2 ओके. ये फिर से आ गया. देखो फाइनेंशियल एसेट्स के अंडर इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंसेस एंड लोन्स, ये सब आ रहा है. अच्छा लोन्स के नीचे एक अदर्स भी है. अदर्स भी है नीचे अगले पेज पर. बताओ कौन सा इंडेक्स? ओके 109/32. करंट टैक्स असेट इंडेक्स 12. और अदर करंट असेट्स तो मिसलेनियस हो गया, छोड़ दो उसको. क्लियर है यहां तक? ओके. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके पहले सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले आता है आपका इक्विटी. बच्चों इक्विटी में आज से लेकर आपको बस ये समझना है कि शेड्यूल 3 में इक्विटी में सिर्फ दो ही हेड होते हैं. एक होता है इक्विटी कैपिटल और एक होता है अदर इक्विटी. क्या बोला मैंने? मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, ठीक है ना. इक्विटी में दो ही हेड होंगे. कौन से दो हेड होंगे? शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी. सर ये अदर इक्विटी क्या होता है? अदर इक्विटी में दुनिया भर के सारे रिजर्व्स, ठीक है ना, सारे रिजर्व्स. ओसीआई, ओसीआई का फुल फॉर्म अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम. ओसीआई का फुल फॉर्म क्या? जिसको भी ओसीआई के बारे में नहीं पता थोड़ा सा वेट कर ले, ओसीआई के बारे में पूरा पूरा बताऊंगा. आएगा ओसीआई का अभी अभी कुछ आएगा फंडा, ठीक है. तो सारे रिजर्व्स, सारे ओसीआई, सारे भी जो जितने भी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड का जो भी पार्ट होता है अदर देन कैपिटल, वो सब कुछ किस में आता है? अदर इक्विटी में. किस में आता है? इसका जब हम अदर इक्विटी का नोट्स बनाते हैं, मतलब अलग से जब इसका वर्किंग बनाते हैं, उस वर्किंग को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. क्या बोलते हैं? सुना होगा शायद, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. शॉर्ट में बोलते हैं सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCIE. बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? अच्छा अभी मैं आऊंगा, अभी मैं सोकी पे भी आऊंगा, अभी नीचे है. अदर इक्विटी में मैंने क्या बोला? सारे रिजर्व्स वगैरह आएंगे और ओसीआई बैलेंसेस आएंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर देयर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, सॉरी अदर देन कैपिटल, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम नहीं, अदर देन कैपिटल, ठीक है. अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, यस. शेयर 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 वॉरेंट्स विल बी कवर्ड अंडर अदर इक्विटी. व्हेन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, दे विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अच्छा सो इक्विटी कौन सा इंडेक्स?
इस पे भी इंडेज है 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड 32 ओके लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटी में पहली लाइबिलिटी कौन सी है ऑब्वियसली कौन सा लगेगा 109 कौन कौन सी लाइबिलिटी आ रही है नीचे पढ़ना बोरिंग्स बोरिंग्स ओके बोरिंग्स एक सेकेंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे अपन सबसे पहले लिख देते हैं 109 बोरिंग्स आ गई ट्रेड पेबल्स आ गए अच्छा ये ट्रेड पेबल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो ये अमेंडेड है ये अमेंडमेंट हुआ है कि आपको ट्रेड पेबल्स को इस तरीके से दिखाना है आपको ट्रेड पेबल्स को दो कैटेगरीज में दिखाना है कौन सी दो कैटेगरीज हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के आउटस्टैंडिंग ड्यूज आपको अलग दिखाने और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ड्यूज आपको अलग दिखाने अरे एमएससी बोलते हैं ना माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एमएससी ठीक है ना उनके ड्यूज आपको आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर उनको आपको कुछ पे करना है तो उनके ड्यूज आपको अलग दिखाने और अदर देन एमएससी के ड्यूज आपको अलग दिखाने अच्छा अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ठीक है प्रोविजंस हाँ इस पे आ जाओ कौन सा स्टैंडर्ड इंडेस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स मुझे अपने एम्प्लॉई को 10 साल बाद ग्रेच्युटी पे करनी है उसका प्रोविजन बनाऊंगा ना लॉन्ग टर्म नेचर का ना बेटा नॉन करंट लायबिलिटी ग्रेच्युटी पे करनी है मुझे अपने एम्प्लॉई को तो एम्प्लॉई बेनिफिट्स ठीक है दूसरा एंड इंडेस 37 नाम क्या है सर प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट्स जो आपके आईपीसी में AS 29 हुआ करता था उसका नाम भी क्या है प्रोविजंस प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स ओके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 12 अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज छोड़ दो करंट लाइबिलिटीज क्या क्या है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या आएगा 109/32 बोरिंग ट्रेड पेबल्स अच्छा देखो फिर से यहां पर ट्रेड पेबल्स स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ठीक है प्रोविजंस वही इंडेस 19 एंड 37 करंट टैक्स लायबिलिटी इंडेस 12 इंडेस 12 राइट ये आ गया आपका सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किसके लिए बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किसके लिए बनता है इक्विटी के लिए किसके लिए इक्विटी के लिए मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल भी आएगा और अदर इक्विटी भी आएगा दो पार्ट में पार्ट वन शेयर कैपिटल पार्ट टू अदर इक्विटी सर क्यों पार्ट वन शेयर कैपिटल क्यों भाई तेरी शेयर कैपिटल अलग अलग टाइप की है इक्विटी अलग है प्रेफरेंस अलग है इक्विटी में ही अलग अलग फेस वैल्यूज के हैं अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं तो आपको उसको अलग अलग बताना पड़ेगा ना तेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है तेरा सब्सक्राइब कितना है वो सब दिखाना पड़ेगा ना तो तेरा सोकी जो बनाना है तेरे को सोकी दो पार्ट में बनाना है पार्ट वन पार्ट टू सोकी तेरे को दो पार्ट में बनाना है बात समझ में आ रही कि नहीं ओके सो इक्विटी शेयर कैपिटल पहला पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल सुनो मत करो मत देखो उसको पहला पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आता है या शेयर कैपिटल कैसे आता है सीधी बात है अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना था वो बताओ ड्यूरिंग द ईयर तुमने पब्लिक इशू किया क्या
तुमने बायबैक किया क्या, तुमने बोनस दिया क्या, तुम्हारे कन्वर्जन तो नहीं हुए डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट तो नहीं हो गए, तो तुम्हारा फाइनल बैलेंस क्लोजिंग कितना बचा, ये तुम्हारा फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट को मैंने शॉर्ट में यहां पर क्या लिखा है बीच वाले को, चेंजेस। तो इस चेंजेस वाले कॉलम में सब कॉलम आ जाएंगे, किस किस चीज के सब कॉलम आएंगे, पब्लिक इशू, बोनस, बायबैक, कन्वर्जन्स, इन सबके पब्लिक, शेयर वॉरेंट्स बन गए उसमें, ईसॉप कन्वर्ट हो गए, बोलो बेटा, ये सब आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा सोकी का पहला पार्ट, इक्विटी कैपिटल। पार्ट टू बहुत इंटरेस्टिंग है, अदर इक्विटी। पार्ट टू बहुत इंटरेस्टिंग है, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी सुनो, पहले इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं पर अभी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जब जब मैं आपको एक एक स्टैंडर्ड पढ़ाते जाऊंगा और वो कोई रेफरेंस आएगा कि ये देखो सोकी में डालते हैं, तो मैं वापस आपको ले आऊंगा इसमें, मैं बोलूंगा आप खोलो इसको, देखो सोकी है यहां पर, दिख रहा है ये चीज हमने पढ़ी थी उस टाइम पे, पढ़ा पढ़ बताया था हमने, तो ये चीज आपको तब लिंकिंग लिंकिंग समझ में आएगी। अभी फिलहाल मैं आपको ऊपर ऊपर से बताते जा रहा हूं। अदर इक्विटी में देखो पहला पॉइंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आईपीसीसी के टाइम पे जब हम बैलेंस शीट बनाते थे डिवीजन वन वाली, तो वो फेस पे ही दिखती थी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर वारंट मनी, याद आ रहा है कि नहीं? अब उसको उन्होंने सोकी में डाल दिया, उन्होंने बोल दिया अदर इक्विटी में इसको खत्म करो, डालो, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरा नाम क्या है, इक्विटी कॉम्पोनेंट ऑफ कंपाउंड, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके नीचे मैंने इंडेक्स का नंबर डाल दिया है ऑलरेडी, क्या नंबर डाला है, सीधी बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, 109 के थ्रू आएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेट अ सेकंड, ये कॉलम जितना छोटा दिख रहा है सबसे बड़ा कॉलम यही है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जब तुम कॉलम बनाओगे ना, रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम बहुत बड़ा बनता है, रिजर्व एंड कॉलम, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हारी, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें आएंगी, क्या क्या बहुत सारी चीजें आएंगी, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, चलो नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम, नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग कौन सी वाली, हर साल का पेंडल का फाइनल बैलेंस अप्रोप्रिएट करके डिविडेंड हटा के सब रिटेन्ड अर्निंग किधर जाएगी, इधर जाएगी, बोलो बेटा, ठीक है ना, और बोलो, कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वगैरह आएंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व यहां नहीं आएगा, रिवोल्यूशन तो ओसीए वाला अलग से आएगा, ठीक है। सो एनी अदर रिजर्व विच इज पार्ट ऑफ रिजर्व इन सरप्लस, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, जैसे सीआरआर है ना, डीआरआर वगैरह, ये सब, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, तो कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, अदर्स सेपरेटली स्पेसिफाइड, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ओसीआई, डेट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ओसीआई, इसका इंपैक्ट आपका कौन से इंडेक्स में, 109, तो 109 के थ्रू समझ में आएगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई, ये भी 109, कैश फ्लो हैज रिजर्व, ये भी 109, रीवैल्यूएशन सरप्लस, इंडेस 16, पीपीई, इंडेस 16 में आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू करते हो, तो आईपीसी में आपने पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस नाम वर्ड यूज होता है यहां पर, हम यहां पर रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं बोलते, रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरप्लस। एक्सचेंज डिफरेंस, AS11 पढ़ा था आपने बचपन में, AS11 पढ़ा था कि नहीं, AS11 के हिसाब से यहां पर उसका इंडेस 21 बोलते हैं उसको, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, नाम याद आ रहा होगा, एक्सचेंज डिफरेंस याद होगा, वो पढ़ा था आपने ब्रांच में, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तो नॉन इंटीग्रल में जब कन्वर्जन होता था तो FCTR में डालते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये वो चीज है, आया समझ में कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अदर आइटम्स ऑफ ओसीआई, अगर अदर आइटम ऑफ ओसीआई, मैंने इंडेक्स 19 डाल दिया, 19 में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है। लास्ट में क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल, अरे तुमने शेयर वारंट पूछा था थोड़ी देर पहले किसी ने, शेयर वारंट्स और ये सब ये रहे मनी रिसीव्ड, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 to 7 minutes, 5 to 10 minutes, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं, ठीक है ना, पहले ब्रेक करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।
ओके गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टार्ट करते हैं अपन आगे का पोर्शन। अभी तक हमने आपको एक फॉर्मेट बताया कि ये फॉर्मेट है पूरा। फॉर्मेट में हमने साइड में इन डेज के नेम्स एंड नंबर्स लिख दिए। बाद में कभी हम जब रिवीजन में आएंगे और हम पढ़ चुके होंगे पूरा एफआर, तो तब हमें मजा आएगा पढ़ के कि हाँ यार ये इन डेज में ये चीज होती है, याद आएगा बार बार चीजें। सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए आपको वो चीज लिखवाई गई है। यहां से लेकर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से देखना शुरू करें। पहली डेफिनेशन है करंट असेट की। व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट? उसको डिफाइन किया गया है, करंट असेट को डिफाइन किया गया है शेड्यूल थ्री में, ठीक है? डिफाइन किया गया है शेड्यूल थ्री में। अब समझना, करंट असेट असेट को शेड्यूल थ्री और इंडेक्स वन में, दोनों में एक जैसा डिफाइन किया गया है। इंडेक्स वन भी करंट असेट को डिफाइन करता है और शेड्यूल थ्री भी डिफाइन करता है। क्या डेफिनेशन है? दोनों की डेफिनेशन सेम है। एंटिटी शेल क्लासिफाई एन असेट एज करंट। एंटिटी किसी असेट को करंट कब बोलेगी? वेन, पहला फर्स्ट। एक काम करते हैं, फर्स्ट सौरभ पढ़ो, वन सेकेंड, एक सेकेंड, फिर से पढ़ो, जहां बोलू स्टॉप तो स्टॉप हो जाना, पढ़ो। ओके, इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, उसने पढ़ा इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, बीच का छोड़ दो, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इट एक्सपेक्ट्स या इट इंटेंड्स टू सेल द असेट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तीसरा इट इंटेंड्स टू कंज्यूम द असेट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एक पॉइंट में तीन पॉइंट्स बन रही है बच्चों। It expects to realize, it means debtors. Expects to realize. कोई चीज है जो realize होने वाली है, मतलब here they are asking, they are talking about receivables. Receivables. So here realize the asset means receivables. बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, इट इंटेंड्स टू सेल फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश्ड गुड्स और इंटेंड टू कंज्यूम रॉ मटेरियल इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल? जनरली लेस देन 12 मंथ, ओके, बट नॉट नेसेसरी कि लेस देन 12 मंथ ही हो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल? फ्रॉम कैश टू कैश कन्वर्टेबिलिटी। यू हैव कैश टुडे, ठीक है ना, यू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस कैश, योर कैश इज गॉन, रॉ मटेरियल इज विद यू, रॉ मटेरियल के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, इट विल टेक टाइम। फिनिश गुड्स को आपने स्टोर करके रखा, बेचने के लिए टाइम लगेगा, आपने उसको बेचा, बेचने के बाद आपको पैसा रियलाइज होगा कुछ टाइम बाद। सो कैश टू कैश कन्वर्टेबिलिटी आपका, उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा बोलो मेरे साथ, रिपीट करो सब। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट? पहला इट मतलब कौन? इट मतलब एंटिटी। एंटिटी इज एक्सपेक्टिंग व्हाट एंटिटी इज एक्सपेक्टिंग? टू रियलाइज द असेट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। और इंटेंशन टू सेल और दूसरा, तीसरा इंटेंशन टू कंज्यूम। एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलाइजेशन, इंटेंशन टू सेल, इंटेंशन टू कंज्यूम। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट, एसएफएम कितने बच्चों ने पढ़ा है? ऐसे ही ऊपर, ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं। एसएफएम कुछ डेरिवेटिव्स, एसएफएम के अंदर डेरिवेटिव्स होते हैं, पढ़े? अच्छा आगे बढ़ते। इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, एग्जाम्पल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये क्या बोला आपने? इट होल्ड्स द असेट
प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। कुछ बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, सर प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग मतलब स्टॉक इन्वेंट्री। अरे बेटा इन्वेंट्री तो तभी ऊपर आ गई ना, वो बार बार थोड़ी बोलेगा। तो इट होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग मतलब यहां पर जहां तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, और वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तुमने इक्विटी शेयर खरीद लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज सेल तुम्हारा इंटेंशन है। डेरिवेटिव के क्या होता है, डेरिवेटिव में तुमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगा दिया, फ्यूचर में पैसा लगा लिया, ऑप्शंस में पैसा लगा लिया, और उसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है, और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग होता है वो। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना ट्रेडिंग पर्पस से, तो वो जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे करंट होंगे। कौन से होंगे? तो यहां पर हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, दो पॉइंट्स बोलो जल्दी मेरे साथ, रिपीट करो बिना देखे, दो पॉइंट्स जल्दी बोलो। एक्सपेक्ट टू रियलाइज, इंटेंट्स टू सेल, इंटेंट्स टू कंज्यूम इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा होल्ड, होल्ड होल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, होल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, थर्ड वाला, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये एक जनरल पॉइंट हो गया कि अगर ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या तुम्हें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल समझ में नहीं आ रहा, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को तुम बाय डिफॉल्ट 12 महीने मान लो। ठीक है, तो इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट विद इन 12 months, विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड या रिपोर्टिंग। बोलो तीन कौन सी conditions? Expects to realize, intends to sell, intends to consume in normal operating cycle. दूसरा holds primarily for trading purpose. तीसरा expects to realize within 12 months from the end of reporting period. Fourth number, when the asset is a cash or cash equivalent. Stop, आगे मत पढ़ना, बस। When the asset is cash or cash equivalent, it is by default current asset. Except, except, अब आगे पढ़ो, except, unless the asset is restricted from being exchanged, used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period. तुम्हारे फैक्ट्री में इनकम टैक्स का रेड हुआ, ठीक है ना, सचिन सीजर वगैरह पढ़ा है ना, तो वो हुआ और कैश को सीज कर लिया, अनअकाउंटेड कैश था वो। कौन सा कैश था? अनअकाउंटेड कैश था। सर अनअकाउंटेड था तो आपकी बैलेंस शीट में तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो फिर कहा कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब तो करना पड़ेगा ना अकाउंट फॉर, अब तो उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो उसमें रिकॉर्ड्स में आ गया, उसके ऊपर जो भी पेनल्टीज और टैक्सेस वगैरह लगेंगे अब तो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो मैंने उसको अकाउंट फॉर किया, मैं उसको किस कैटेगरी में डालूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालूंगा, क्या मैं उसको करंट में डालूंगा कि नॉन करंट में, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं कि मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो सीज हो गया ना, मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ना। और मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं ये केस खत्म कर दूंगा विद इन 1 ईयर। अगर मुझे पता है ये केस तो चलता जाएगा, ये केस तो लंबा खींचेगा 3-4 साल, तो दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिस कैश विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर करंट असेट, इट विल बी ट्रीटेड एज योर नॉन करंट असेट। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा दी गई? रेस्ट्रिक्शन। काहे की रेस्ट्रिक्शन? कि तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, तुम इसको लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बार बार पढ़ो इस चीज को। अनलेस द असेट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बींग एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज मतलब कोई चीज परचेज नहीं कर सकते हो उस कैश के अगेंस्ट, और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हें यूज ही नहीं करने दिया जा रहा है, कैश तुम्हारा है पर तुम्हें यूज नहीं करने दिया जा रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? एक और एग्जांपल, एफडीज, एफडीज नॉर्मली कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं,
और एफडीज नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आती हैं तो वो करंट में आती है, क्योंकि तुम्हारी मर्जी है, तुम उनको कभी भी बीच में उनको बीच आप तोड़वा सकते हो, आप उनका पैसा ले सकते हो, आपके ऊपर है। मतलब अगर मान लो आपने इवन 5 साल के लिए भी एफडी बनाई है, बट आपको पता है कि अगर आपने 1 साल में भी आपको अगर इसकी जरूरत पड़ गई तो आप इसको एफडी को बीच में ले लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो एफडी आपकी कैश इक्विवेलेंट होगी और वो हो सकती है आपकी करंट एसेट भी हो। बट सपोज आपने एफडी बनाई, गवर्नमेंट टेंडर्स होने हो ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स में एफडी वगैरह एज अ सिक्योरिटी लगती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब मिलते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो एफडी एज अ सिक्योरिटी तौर पर रखनी पड़ती है, गारंटी के तौर पर रखनी पड़ती है। और जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मान लो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, तब तक आपको आपकी एफडी वापस नहीं मिलेगी, ऐसा होता है। तो बताओ, आपने एफडी बनवा ली और आपने सिक्योरिटी के रूप में, गारंटी के रूप में वो आपने एफडी जमा कर दी टेंडर प्राप्त करने के लिए, तो वो आपकी एफडी क्या मानी जाएगी, करंट की नॉन करंट? नॉन करंट, बिकॉज इट इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, यू कैन नॉट यूज इट टू सेटल अ लायबिलिटी, यू कैन नॉट एक्सचेंज दिस टू परचेज एन असेट। आई बात समझ में कि नहीं? दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, नाउ यू कैन नॉट यूज इट फॉर एटलीस्ट 12 months। इफ यू कैन यूज इट विद इन 12 months, देन इट इज योर करंट असेट। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। तो इस चारों पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ वाला ही है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय डिफॉल्ट तो करंट असेट होगा, बट अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन डाली गई है कि वो एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो लायबिलिटी सेटल करने के लिए विद इन 12 months, फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 12 months, तो उस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप नॉन करंट बोलोगे, आप उसको करंट नहीं बोलोगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? चलिए चार पॉइंट जल्दी मुझे बताओ कौन कौन सी है। एक्सपेक्ट टू रियलाइज, इंटेंट्स टू सेल, इंटेंट्स टू कंज्यूम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, उसके बाद होल्ड्स द असेट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तीसरा एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, फोर्थ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज क्या, रेस्ट्रिक्टेड, इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बींग एक्सचेंज और यूज टू सेटल लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड। आई बात समझ में कि नहीं? उसको तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सपोज अगर हमारी कोई पीपीई है और उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 12 months हम उसको सेल कर देंगे, हमारी पीपीई है सर, मतलब वो हमारी अभी तक तो नॉन करंट थी सर, ठीक है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सेल कर देंगे विद इन 12 months, तो सर हम उसको करंट में डाल देंगे क्या? बेटा उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, और उसकी कैटेगरी अलग ही डिफाइन की गई है कि उसको अलग से कैटेगराइज करके नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल के अंदर दिखाना है। मतलब तुम उसको दिखाओगे नॉन करंट में ही, पर उसको नीचे एक सब हेडिंग डाल दोगे हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि अभी तक तुमने उसको बेचा नहीं है और तुम्हारा इंटेंशन तो है बेचने का विद इन 12 months, पर क्या पता शायद ना बिके, ठीक है? तो उस स्टैंडर्ड का नाम है 105, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है? अच्छा, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ऑल अदर असेट्स एज नॉन करंट, ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर। ऑपरेटिंग साइकिल, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ एंटिटी इज द टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर प्रोसेसिंग देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, व्हेन द एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइबल इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 months। मेरे पास कैश है, कैश से मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स के बाद मैंने उनको स्टोर करके रखा था, फिर मैंने उनको सेल कर दिया, तो मेरे डेटर्स जनरेट हुए और डेटर्स ने मुझे वापस से मुझे कैश दे दिया। दिस इज माय नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है? अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे, अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे, एक सेकंड, करंट लायबिलिटी को कैसे याद रखना है सुनो। पहला पॉइंट करंट एसेट का क्या था,
करंट असेट का पहला पॉइंट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, इधर बोलोगे एक्सपेक्ट्स टू सेटल, ऊपर क्या था एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, अब क्या होगा एक्सपेक्ट टू सेटल। अच्छा ऊपर पहली पॉइंट में एक और चीज थी इंटेंशन टू सेल और इंटेंशन टू कंज्यूम, लाइब्रेरी में कोई सेल और कंज्यूम होता ही नहीं है तो हटाओ उसको डिलीट कर दो, मतलब अब पॉइंट क्या बन गई पढ़ो, पहली पॉइंट पढ़ो करंट लाइब्रेरी की सेटल द लाइब्रेरी इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, याद रखने की जरूरत नहीं है अपने आप याद हो जाएगा, क्या बोले एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लाइब्रेरी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अच्छा उधर दूसरी पॉइंट क्या थी करंट असेट की, दूसरी पॉइंट क्या थी होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, सेम टू सेम होल्ड्स प्राइमरली फॉर द इट होल्ड्स द लाइबिलिटी प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ, सर लाइबिलिटी कैसे होल्ड कर सकता हूं प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, सर डेरिवेटिव में का अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो आप हार रहे होते हो तो आपको कुछ पे करना होता है ब्रोकर को, जब आपकी फेवरेबल सिचुएशन होती है तो आपको रियलाइज है, तो डेरिवेटिव में जब आपकी अनफेवरेबल सिचुएशन है तो वो लाइबिलिटी बन गई ना एक तरीके से, और ये है तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही जो आप होल्ड करके बैठे हो प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग बट इट इज अंडर अनफेवरेबल पोजिशन, तो वी कैन राइट इट डेरिवेटिव्स अंडर अनफेवरेबल पोजिशन। ठीक है हाँ, दो पॉइंट्स कौन से, एक्सपेक्ट टू सेटल द लायबिलिटी विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, दूसरा होल्ड्स प्राइमरली होल्ड्स द लायबिलिटी फॉर प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तीसरा पॉइंट क्या था उधर एक्सपेक्ट टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, एक्सपेक्ट टू सेटल विद इन 12 मंथ्स, पढ़ लो Due to be settled within 12 months after the reporting period. Clear? इस में भी सबसे important है D number point. सबसे important है D number point. अभी D number point को मत पढ़िए. D number point को मत पढ़िएगा. आपने एक loan लिया. आपका एक loan चल रहा है. 5 years का फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, फर्स्ट ईयर एंड हुआ है, आपके लोन का रीपेमेंट लमसम रीपेमेंट 5 years बाद ही होना है, फर्स्ट ईयर एंड हुआ मतलब अभी भी 4 साल बचे हुए हैं, फर्स्ट ईयर एंड हुआ, बताओ ये लोन कहां दिखाओगे करंट की नॉन करंट, हाँ ऑब्वियसली नॉन करंट, बोलो क्यों, सर मतलब 4 साल है मेरे पास, अच्छा एक सेकेंड तेरे पास 4 साल है ना, तेरे पास 4 साल है पर मान लो कल को तुम्हें लगे कि यार फंड्स बहुत आ गए हैं लोन की जरूरत नहीं है सेटल करना चाहता हूं, भले 4 साल बचे हैं क्या सेटल करना चाहता तो तू सेटल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो ना बेटा, बट यहीं पर 4.5 ईयर्स हो चुके हैं अब तुम्हारा बैलेंस शीट बन रहा है, अब इसी लोन को तुम अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे भाई, 4.5 साल हो चुके हैं, 4.5 साल हो चुके हैं ठीक है ना, अब तुम इस लोन को अपनी बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, ऑब्वियसली क्या दिखाओगे करंट, क्या तुम्हें कोई राइट दिया गया है क्या कि तुम इसको एक्सटेंड कर लो, मतलब तुम्हारे पास 6 महीने और बचे हैं 4.5 ईयर्स हो चुके हैं, 6 महीने में तुम्हें इसको सेटल करना है, क्या तुम्हें बैंक ने कोई राइट दिया है क्या कि तुम इसको सेटल विद इन 12 मंथ्स, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, तुम्हें हम 2 साल का पीरियड और दे रहे हैं ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, ऐसा सर कोई राइट नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू डिफर दिस बियॉन्ड 12 मंथ्स, समझ आ रहा कि नहीं, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट बट हेयर आई वॉज द राइट, आई वॉज हैविंग अ राइट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, आई हैव अ राइट टू डिफर इट बियॉन्ड 1 ईयर, मेरे को राइट है, मेरे को 4 साल का राइट है,
पांच साल का लोन लिया है, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया है, क्या मेरे पास राइट है कि मैं इसको चार साल तक खींच सकता हूं? हां, दैट मींस ये नॉन करंट है. बट क्या मेरे को यहां पर राइट है क्या? किस चीज का राइट? टू डेफर द सेटलमेंट. कब तक? मोर देन 12 मंथ. क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट है क्या? रुक जाओ. हाँ सर राइट है. अचानक से बैंक का ऑफिशियल, बैंक का मैनेजर मेरे पास आया और मैं उसका प्रिफर्ड क्लाइंट हूं, मैं उसका प्रिफर्ड कस्टमर हूं. उसने मुझे बोला कि सर आप चाहो तो हम आपका ये जो लोन चल रहा है इसको रिन्यू कर देते हैं, एंड वी आर गिविंग यू रिन्यूअल ऑफ 3 ईयर्स एट योर डिस्क्रिशन, वेन एवर यू वॉन्ट, जस्ट कॉल मी सर, आपकी आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा और आपका ये लोन रिन्यू कर दूंगा एक दिन, मेरे पास पावर है सर. होती है बातें ऐसी कि नहीं होती है? बोलो यार. ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि आपका लोन खत्म होने वाला है, आपने अपने बैंक वाले से ही बोला कि आपने रिक्वेस्ट किया यार मुझे इसको एक्सटेंड करना है, यार मैं तेरा प्रेफरेंट क्लाइंट हूं, मैंने अभी तक कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया, इसको एक्सटेंड कर दे यार, लिमिट को एक्सटेंड कर दे यार, वगैरह वगैरह. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसने बोला ठीक है मैं आपको रिन्यूअल का ऑप्शन दे रहा हूं, रिन्यूअल का ऑप्शन दे रहा हूं विदाउट एनी कंडीशन, आप बताइए कि इसको रिन्यू करना है कि नहीं, 3 साल तक मैं आगे रिन्यू कर दूंगा. टेल मी गाइस नाउ वेदर यू हैव सम राइट, टेल मी वेदर यू आर हैविंग एनी राइट, विच राइट? टू डिफर द सेटलमेंट, टू डिफर द सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ. नाउ कहां शो करोगे इसको? कहां शो करोगे? नॉन करंट में तभी करोगे जब तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं ये राइट को अवेल करना चाहता हूं, डिस्क्रिशन तुम्हारा है उसको करने का. बात समझ में आ रही कि नहीं? आइए पढ़ते हैं. इट डज नॉट, इट मतलब यहां पर एंटिटी, एंटिटी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट, एंटिटी के पास कोई राइट नहीं है, राइट नहीं है क्या चीज करने का? जल्दी बोलो क्या चीज करने का राइट नहीं है? टू डेफर द सेटलमेंट. अच्छा, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, 12 मंथ तक सेटल मतलब डेफर करने का राइट नहीं है, मतलब तुम्हें सेटलमेंट करना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब वो चीज क्या होगी? करंट. अरे बोलो ना, टू डेफर द सेटलमेंट. गाइस अंडरस्टूड और नॉट? हाँ. सो क्या लिखा, क्या लिखा है? कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ठीक है, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? आप पूरे पैराग्राफ को चाहो तो पढ़ सकते हो. अच्छा, एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी है इंस्टीट्यूट ने निकाली है वो केस स्टडी, वो मैं इंडियस वन में पढ़ाऊंगा बट वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं 2 मिनट. वो इसी से रिलेटेड है क्योंकि आपने एक लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, लमसम पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या दिखाओगे? नॉन करंट. बोलो यस. ठीक है, सेकेंड ईयर में आपने डिफॉल्ट कर लिया, क्या कर लिया? हमने सुना है, हमने देखा है, हमने अगर बैंक ऑडिट्स भी किए होंगे तो हमें पता है कि जब कोई भी कस्टमर बैंक के पास लोन लेने आता है, जब उसका सैंक्शन होता है तो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, ये हम सबको पता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, कितने सारे पेपर्स पे साइन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं. और हमारी एक जनरल, हमें इतना भी पता है कि कोई उनको पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ता है क्या साइन करने से पहले? पूरा पढ़ूंगा सर नहीं तो मैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता. बट हमें पता है कि उनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉइंट लिखी होती है कि अगर कभी भी तुमने डिफॉल्ट किया तो बैंक विल हैव अ राइट टू डिमांड दिस लोन इमीडिएटली. ऑब्वियसली ऐसी पॉइंट होगी. बोलो ना यस. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इसका मतलब जब तुम साइन कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट पे, लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो, इसका मतलब तुम एग्री हो रहे हो कि हां अगर मैंने कभी डिफॉल्ट किया तो बैंक के पास राइट हो जाएगा टू टेक हिज मनी बैक. बोलो बेटा. और मतलब टू डिमांड द लोन इमीडिएटली. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? उसी पे एक केस स्टडी आ गई कि अगर सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर तक तुमने लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर लिया, तुमने लोन के ऊपर क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर लिया, और वो डिफॉल्ट तुम्हारा रेक्टिफाई नहीं हो पाया है अभी तक,
जब तक तुम बैलेंस शीट बना रहे हो वो तुम्हारा डिफॉल्ट चल रहा है, तो बताओ बैंक के पास क्या आ गया? राइट आ गया. किस चीज का राइट आ गया? टू डिमांड द लोन इमीडिएटली, टू डिमांड द रीपेमेंट इमीडिएटली. ऐसे केस में बताओ ये लोन जो कि आपने ओरिजिनल 5 साल के लिए लिया था, जिसका अभी सेकेंड ईयर चल रहा है, वैसे टेक्निकली इसका ओरिजिनल टर्म्स ये था कि आपको इसको पे करना है 5 साल बाद. ओ भाई मेरे सो मत, तू सो रहा है? नहीं तू सो रहा था भाई, उठ एक मिनट, उठ जा. पानी है? पानी लाए? पानी दो इसको भाई को. हाँ पी ले. हाँ ज्यादा नहीं पीने का, पेट में दर्द होगा. बैठ जा 2 मिनट. वापस से उठ, ऐसे 5 बार कर कर कर. हाँ 4 बार. कम से कम तेरे को आधे घंटे तक नींद नहीं आएगी. कभी भी ऐसा हो ना कि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है और हालत खराब हो रही है, 2 घूंट पानी के जरूर पी लेना. एग्जाम डेज में ये बहुत काम आएगा. पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, आपकी हालत खराब हो रही है और आपको सोना तो है ही नहीं पर नींद आ रही है, 2 घूट पानी पी लेना और एक घर का चक्कर लगा के आ जाना. अब यहाँ पे तो इसको चक्कर नहीं लगवा सकता था मैं, इसलिए मैंने तेरे को बोला उठक बैठक कर थोड़ा सा, क्या शरीर वापस से चलने लगेगा ना हल्का सा, तो वापस से आपको लगेगा चलो ठीक है 1-1.5 घंटे का एनर्जी वापस से आ गया. आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गए, तो आप 1 घंटे बैठे रहते हो तो आपको स्मार्ट वॉच बता रहता है कि प्लीज उठ जाइए और थोड़ा सा चल लीजिए. तो ये मैंने तेरे से इसलिए करवाया, बुरा तो नहीं लगा? नहीं कोई बात नहीं, तो अभी सोने का नहीं है मेरी क्लास में, ठीक है? चलो बताओ सेकेंड ईयर डिफॉल्ट किया क्या करेंगे? सेकेंड ईयर डिफॉल्ट किया क्या करेंगे? किसमें आ जाएगा ये? करंट लायबिलिटी में आ जाएगा. किसमें आ जाएगा? करंट लायबिलिटी में आ जाएगा. बोलो बच्चों हाँ कि ना, करंट लायबिलिटी में आ गया. अब आगे बोल रहा हूं, अब सुनो. 31 मार्च के बाद बट डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आपने सुना होगा AS4, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट से पहले तुमने अपने इस लोन को रेक्टिफाई कर लिया. क्या कर लिया? रेक्टिफाई कर लिया, मतलब बैंक के साथ सेटलमेंट कर लिया. अब तुम्हारा ये लोन वापस से नॉर्मल हो गया. क्या हो गया? वापस से तुम्हें इसको करंट से बदल के किस में करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट डेट से पहले पहले कर लिया ना तुमने, बैलेंस शीट अप्रूवल से पहले. दिस इज एडजस्टिंग इवेंट. क्या बोलेंगे इसको? एडजस्ट. आया समझ में कि नहीं? दूसरा सुनो, तुमने इसको रेक्टिफाई नहीं किया, ठीक है ना, तो ये करंट हो गया था. 31 मार्च से पहले बैंक ने तुम्हें 12 महीने से ज्यादा का ग्रेस पीरियड दे दिया कि चल ठीक है 13 महीने का टाइम दे रहे हैं, रीपेमेंट 13 महीने में करना है. कितने का ग्रेस पीरियड दे दिया? 13 मंथ्स का, मतलब मोर देन वन ईयर या 12 मंथ्स का ग्रेस पीरियड दे दिया. स्टिल यू हैव टू ट्रीट योर लाइबिलिटी एज नॉन करंट, क्योंकि ग्रेस पीरियड तुम्हें मिल चुका है. अरे आया समझ में कि नहीं? देखो जनरल पॉइंट मैंने क्या बोला, सबसे पहले तुमने लोन लिया 5 साल का, ओरिजिनली तुम्हारा ये लोन क्या था? नॉन करंट. सेकंड ईयर में डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट पर ये लोन क्या बन गया? रीपेबल ऑन डिमांड. रीपेबल ऑन डिमांड बन गया तो ये क्या बन गई? करंट बन गई. 31 मार्च एंड होने से पहले पहले बैंक ने तुम्हें ग्रेस पीरियड दे दिया 1 साल से ज्यादा का. अब इसको करंट से नॉन करंट कर दो क्योंकि मुझे ग्रेस पीरियड है. बोलो बेटा 31 मार्च तक तुम्हें ग्रेस पीरियड नहीं मिला, पर 31 मार्च के बाद बट बैलेंस शीट डेट से अप्रूवल होने से पहले पहले तुमने इसको रेक्टिफाई कर लिया. वापस से तुम इसको नॉन करंट मान लो. कुछ आया समझ में कि नहीं? क्या सोचना है? हाँ इसकी केस स्टडी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि वो इंडेस 1 में मैंने केस स्टडी बताई है और इससे जुड़ा हुआ एक कार्व आउट भी है IFRS का, जो IFRS पे कुछ और बोलता है, तो वो हम कल पढ़ेंगे. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये 4th नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. लाइब्रेरी वाला पॉइंट पूरा एक बार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पूरा एक बार पढ़ लो. करंट असेट, करंट लाइब्रेरी, फिर अपन रिपीट करेंगे पूरा. जल्दी पढ़ लीजिए करंट असेट, करंट लाइब्रेरी क्या क्या थी.
ओके, करंट लायबिलिटी फर्स्ट. व्हाट इज करंट लायबिलिटी? व्हाट इज करंट लायबिलिटी? एक्सपेक्ट्स टू, देखने का नहीं है ना, एक्सपेक्ट्स टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. दूसरा, होल्ड्स, होल्ड्स द लायबिलिटी प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग. थर्ड, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. ओके, फोर्थ, डज नॉट हैव व्हाट? अनकंडीशनल राइट. काय का? टू डेफर द सेटलमेंट. कितने पीरियड के लिए? फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स. ठीक है, ओके. व्हाट डू मीन बाय करंट असेट्स? व्हाट आर करंट असेट्स? एक्सपेक्ट टू रियलाइज, इंटेंड टू सेल, इंटेंड टू कंज्यूम विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. दूसरा, होल्ड्स प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग. तीसरा, एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स. फोर्थ नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड. काय को रेस्ट्रिक्ट किया? टू एक्सचेंज और टू सेटल द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स. आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अ रिसीवेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड रिसीवेबल इफ इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. बेटा देखो, मेरा काम है सर्विसेज देना, टीचिंग सर्विसेज देना, मुझे तुम लोगों से फीस लेनी है. मैं अपनी बुक्स में रिसीवेबल दिखाऊंगा, मुझे तुमसे फीस लेनी है अक्रूअल बेसिस पे, तो मैं ये दिखाऊंगा ट्रेड रिसीवेबल्स में, क्योंकि मेरा काम ही यही है टीचिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एक असेट किसी को बेचा. ये असेट बेचना मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, मतलब मेरा नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. वो मुझे पैसे देगा फ्यूचर में, वो भी तो मेरा रिसीवेबल हुआ, पर वो रिसीवेबल को मैं अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं दिखाऊंगा. आई बात समझ में कि नहीं? सर कहां दिखाओगे फिर? कहां दिखाएंगे सर? सोचो, ये जज करने के लिए आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर फॉर्मेट बता दिया था. आप खुद सोच के देख के बताओ कि करंट में आएगा तो वो कहां आएगा, और अगर नॉन करंट में आएगा तो वो कहां आएगा. फॉर्मेट आपके सामने बैलेंस शीट का ऑलरेडी है. बताइए सर, फाइनेंशियल असेट तो है, फाइनेंशियल असेट के अंडर ही आएगा. हाँ, कहाँ आएगा? अदर करंट असेट्स. कहां पर आएगा? तो इसमें एक एग्जांपल लिख लो अदर करंट असेट्स में. इसमें लिख दो नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स. किसमें बेटा? कहां पर बोल रहे हो? ये वाला? ओ सॉरी, हाँ, इधर इधर ऊपर. यस, अदर इधर आएगा. नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स. सेम ट्रेड पेबल का भी ऐसे ही होगा. ठीक है, पॉइंट नंबर 5. अब आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट. आपको याद है बचपन में जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पढ़ते थे? मैं बचपन जब भी बोलूं तो समझ जाना इंटरमीडिएट. ठीक है ना, बचपन में हम जब भी इंटरमीडिएट, मतलब जब भी पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, तो ऐसा कुछ आता था. प्रॉफिट मतलब रेवेन्यूज आते थे, एक्सपेंस आते थे, फिर आता था प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. याद आ रहा है? एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम. याद आ रहा है कि नहीं बच्चों? इन डेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी हटा दी गई. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम का कोई चीज नहीं है.
इंडिया S1 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी कैटेगरी, कोई भी आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी के अंदर नहीं दिखाओगे, कोई भी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती ही नहीं है. देयर इज ओनली वन पार्ट विच इज नोन एज ऑर्डिनरी एक्टिविटी. यस, देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल आइटम्स, देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल आइटम्स. सर एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हो सकते हैं? दैट इज अप टू द मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन की. वो अगर आपको इस बार एक्सेप्शनल लग रहा है तो आप उसको अलग से दिखाओ. जैसे जनरली एक कंपनी है जहां पर जनरली 4-6% तक बैड डेट्स होते हैं, जनरली पास्ट अगर देखे, बट दिस टाइम बैड डेट हमारे 13% हो गए, 13% बैड डेट हो गए. क्या ये एक्सेप्शनली हायर अमाउंट हो गया? तो इसको एक्सेप्शनल कैटेगरी में दिखा सकते हैं. बात समझ में आएगी? नहीं. पर ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी कोई भी चीज नहीं होती. मेरी बात समझ में आएगी? नहीं नहीं आई. अरे होगा ही नहीं, किसी को तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाओगे ही नहीं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं दुनिया में, ऐसा करना है. एनीथिंग एनी आइटम यू कैन नेवर स्पेसिफाई अंडर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी. देर इज नो कैटेगरी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देर इज नो कैटेगरी लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मतलब तुम उसको नॉर्मल हेड में डालो पर उसको ऊपर उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेड नहीं दिखाओगे, जैसा अपन AS में दिखाते थे. AS5 था एक, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. उसमें था ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आपको सेपरेटली उसके अमाउंट और वो सब दिखाने हैं, आपको डिस्क्लोजर सेपरेट देना है इनकम और एक्सपेंसेस के. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फायर अकर हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आता था. अर्थक्वेक हो गया, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट भी एक इसमें दिया गया था, है ना. उसके बाद VRS एक्सपेंडिचर दे दिया हमने. तो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होते थे जिनको हम दिखाते थे अंडर द हेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब इन सबको अपन नॉर्मल अपने अपने रेगुलर हेड में दिखाएंगे. ऐसा हेड नहीं है, वो आइटम तो आएंगे ना. ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ सकता है, नहीं तो आप उसको नॉर्मल हेड में दिखाओगे. ऐसा कोई डिफाइन नहीं है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, हम क्या डिवीजन 1 पढ़ रहे हैं, डिवीजन 2 पढ़ रहे हैं? डिवीजन 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारे आइटम्स को दो हिस्सों में बांटा गया है. पहला जो सेक्शन होगा वो होगा आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरे सेक्शन में होगा आइटम्स ऑफ OCI. क्या होगा? आइटम्स ऑफ P&L एंड आइटम्स ऑफ OCI. SPL को, SPL मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को दो हिस्सों में बांटा गया है. कौन कौन से दो हिस्से? आइटम्स ऑफ प्रॉफिट लॉस और आइटम्स ऑफ OCI. सर OCI क्या होता है? OCI क्या होता है सर? कैन एनीबडी, व्हाट इज OCI? ऐसा कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस जो किसी इंड एस के अकॉर्डिंग P&L में नहीं जा सकता. कहां नहीं जा सकता? चलो छोड़ो इंड एस, हम AS की बात करते हैं. आपको अगर अपने बचपन में याद होगा तो आपने AS 11 पढ़ा था. बोलो हाँ. AS 11 में आपने नॉन इंटीग्रल ब्रांचेस पढ़े थे. नॉन इंटीग्रल ब्रांच, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल. इंटीग्रल को जब हम ट्रांसलेट करते थे, इंटीग्रल ब्रांच के ऑपरेशन को ट्रांसलेट करते थे, जो भी एक्सटेंड डिफरेंस आता था वो हम P&L में ले जाते थे, AS 11 बोलता था. पर नॉन इंटीग्रल के केस में जब भी हमारे डिफरेंसेस आते थे तो हम उसको FCTR में लेके जाते थे, मतलब उसमें P&L में नहीं लेके जाते थे. बात समझ में आई कि नहीं? तो आप क्या लेके जाते थे? FCTR. और FCTR आप कहां दिखाते थे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में. AS 10 असेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते थे तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आता था और वो हम P&L में नहीं ले जाते थे और हम उसको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते थे. आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे यहां पर बहुत सारे आइटम और इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो. इंडियस ने बोला कि हाँ ये P&L में नहीं जाएंगे,
पर इनको ओसीआई के रास्ते से ले जाओ। ओसीआई एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें तुम ये सब चीजें पहले दिखाओगे कि इस बार ऐसे कौन से आइटम है जो पीएंडल में नहीं गए, इस बार ऐसे कौन से आइटम है जो पीएंडल में नहीं गए, उनका एक अलग से सेपरेट स्टेटमेंट बना लो, लाइक एक्सचेंज डिफरेंस एफसीटीआर वाला, लाइक रिवोल्यूशन सरप्लस, लाइक और भी कोई आइटम जो इस बार पीएंडल में नहीं गए, उनको ओसीआई के रास्ते से ले जाओ। एएस में कभी ओसीआई नहीं बनाते थे, पर जाता तो वहां पर भी पीएंडल में नहीं था, बोलो ना बेटा, जाता तो वहां पर भी वो पीएंडल में नहीं था, पर उसके लिए अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया गया। यहां पर उसने बोल दिया नहीं, तो मैं इस बार स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अरे सीधी बात है, एक डम करके, एक जगह करके, समरी करके दिखा दो कि इस बार कौन कौन से आइटम है जो तुम्हारे पीएंडल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तुम कहां दिखाओगे, वो पीएंडल के नीचे ही दिखाओगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब वो पीएंडल के सेक्शन में ही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही सेकंड सेक्शन में देखेंगे। अरे बोलो ना बच्चों, समझ में आ रही है कि नहीं। और दूसरी बात, वो दो हिस्सों में दिखेंगे, आइटम्स ऑफ ओसीआई दो हिस्सों में दिखेंगे। कौन से दो हिस्से? पहला, आइटम्स विच विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएंडल इन फ्यूचर। ओसीआई से उठ के पीएंडल में जाएगा कभी ना कभी, अगर कोई इंडेस बोलता होगा तो, कि इसको बाद में ना ओसीआई से उठा के पीएंडल में डाल देना। और दूसरा, आइटम्स विच विल नेवर बी रिक्लासिफाइड टू पीएंडल। आपको इसको दो कैटेगरीज में दिखाना है कि ओसीआई के कौन से ऐसे आइटम है जो कभी ना कभी वापस से पीएंडल में क्लासिफाई हो सकते हैं, और कौन से ऐसे आइटम है जो पीएंडल में क्लासिफाई नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, शायद पूरा क्लियर ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एग्जाम्पल दे दूं। जो ये नॉन इंटीग्रल ब्रांच थी ना आपकी, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन जो आपने पढ़ा हुआ है AS11 में, AS11 में जो आपने नॉन इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, ये बोलता था कि जब तुम अपनी इस ब्रांच को बेच दोगे ना, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, डिस्पोज ऑफ खत्म कर दोगे ना, तो जितना भी एक्सचेंज डिफरेंस तुमने FCTR में डाला है, ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस ब्रांच इंटायर FCTR को पीएंडल में ले जाना। तो ये कौन सा आइटम हो गया? विच विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएंडल। दूसरा, AS10 रिवोल्यूशन सरप्लस, रिवोल्यूशन रिजर्व, ये बोलता था तुम्हारा ये कभी भी पीएंडल में नहीं जाएगा। मतलब ये कौन सा हो गया? आइटम्स विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएंडल। कुछ अब समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? आइए बाकी हम पूरा पीएंडल देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आइए बेटा, मैं समझा नहीं, सुन फिर से बोलो, फिर से बोलो। सपोज जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उनको हम अलग से नहीं दिखाएंगे, आप हाँ उसको आप अदर एक्सपेंस में दिखाओगे। यस मेरे भाई, तू यहां ना दिखा के, अगर मान लो तेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला आइटम का हेड होता तो तू यहां ना दिखा के तू अलग से दिखाता, तो तेरे पीएंडल को तो वो वैसे भी प्लस माइनस करता, बट बस तू बोल रहा है कि दिखा नहीं रहे अपन। एक सेकंड, इसका नोट नंबर तो डालेंगे अपन, और अलग से वो नोट में दिखेगा तो सही वो चीज, बस वो चीज फेस पे नहीं दिख रही है। एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शनल में इसलिए नहीं दिखा सकते कि एक्सेप्शनल आइटम मतलब जो तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के आइटम होते हैं उसका एक्सेप्शनल पॉइंट। एग्जैक्टली, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो तुम्हारे एक्सेप्शनल में हुए, ये ऐसा। आई बात समझ में कि नहीं? शुरू से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंडेस सामने लिख दिया मैंने, देखो कौन सा इंडेस है, 115, नाम बोलो, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। हाँ क्या? हाँ पूरा फिर से बोलो, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स। अच्छा एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी बच्चों, इंडेस 17 हुआ करता था लीजेस, है ना, वो एक्चुअली एमसीए ने डिलीट कर दिया है, ठीक है ना, एमसीए ने डिलीट कर दिया है। अरे रुक जा, अभी हमारे कोर्स में है, मतलब अभी रुक जा, खुश मत हो, ये एमसीए ने डिलीट कर दिया है, मतलब प्रैक्टिकली ये कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, और उसका जो नया वर्जन है इंड एएस 116 लीजेस का, वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2019 से,
हो चुका है एज फार एज आर नवंबर 19 अटेम्प्ट इज कंसर्न. फॉर मई 20 अटेम्प्ट एप्लीकेबल 100% होगा ये 16, 116 100% होगा. नवंबर 19 के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, चांसेस हैं कि एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको यही पढ़ना पड़ेगा पुराना वाला. चांसेस हैं कि 17 पुराना वाला पढ़ना पड़ सकता है और 16 की चांसेस मुझे कम लग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक आ जाना चाहिए था बट अभी भी नहीं आया तो माइट भी अब रिजल्ट तक का वेट करना पड़ेगा. जो कमिंग रिजल्ट आएगा माइट भी तब तक हो सकता है कुछ हो जाए. उस अगर रिजल्ट के आसपास नहीं आया तो इसका मतलब नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा इस बार थोड़ा सा लेट, क्योंकि अभी एग्जाम लेट हुए हैं. और रिजल्ट लेट आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आरटीपी लेट आएगी, आरटीपी तो आ ही जाएगी पहले, और आरटीपी में सारे अमेंडमेंट्स आ चुके होते हैं जितने भी होते हैं, जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है आरटीपी में आ चुके होते हैं. तो इसीलिए बस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि आने वाले एक डेढ़ महीने में क्या होने वाला है. तो अगर ये आया तो ये एप्लीकेबल होगा. अब पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसका बुक मटेरियल अपनी वेबसाइट में डाला ही नहीं है कुछ भी, तो चांसेस इसलिए भी मुझे कम लग रहे हैं कि 116 शायद नहीं होगा, आप में 17 ही आएगा. ठीक है, तो जो इंडिया 17 है वो इसलिए मैं सबसे लास्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, यस डिफरेंसेस हैं, तभी इंडिया को चेंज किया गया. डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऐसे समझ लो कि आपको पता होगा कि AS 19 बचपन में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, तो इंडिया 17 भी यही था फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज. इंडिया 16 बोलता है लीज एक ही होती है. अब इससे बड़ा डिफरेंस तो समझ सोच सकते हो कि यही मेन एक डिफरेंस हो गया है ना. तो बेसिकली उसने लीजेस के क्लासिफिकेशन पे ही चर्चा चेंज कर ली उसने, थोड़ा सा ऐसा कुछ है. तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट आराम से, ठीक है ना. चलो बाद में अपन आगे चलते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला पॉइंट क्लियर है 115 के हिसाब से. अच्छा अदर इनकम्स, अदर इनकम्स ठीक है. एक्सपेंसेस, अच्छा अब एक एक करके बात करते हैं. एक्सपेंस में पहला क्या है बेटा, इसका मतलब होता है रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग, इसका मतलब ये होता है. अब आपको तीनों का ये करके आपको इसमें लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. सर ये तो हेड तब आएगा ना जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं. हाँ सर, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हूं तो ये नीचे वाला आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. तूने डायरेक्ट परचेज कर लिया, तू ट्रेडिंग कंपनी है. सर मैं दोनों हूं तो दोनों आएगा. ठीक है, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. अच्छा चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक इन ट्रेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस. यहां रॉ मटेरियल नहीं लिखा है, रॉ मटेरियल नहीं लिखा है क्योंकि रॉ मटेरियल तो ऊपर हो गया ना ओपनिंग और क्लोजिंग. एंड व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा क्लोजिंग 50K है और ओपनिंग 45K है तो डिफरेंस तो 5 आया. 5 का डिफरेंस पॉजिटिव दिखाऊं यहां पर कि नेगेटिव दिखाऊं, मतलब ये हेड में मैं 5 पॉजिटिव दिखाऊं कि नेगेटिव दिखाऊं, क्योंकि बड़ी है. हाँ अब तू देख यहां पर ये ट्रेडिंग अकाउंट बना दो तुम अपने बचपन वाला. ठीक है, तुम ओपनिंग लिखते हो 45, क्लोजिंग दिखते हो 50, मतलब टेक्निकली 5 से तुम्हारी इनकम बढ़ रही है. बेटा ये चेंज इन इन्वेंट्री तुम किस हेड में लिख रहे हो, मैंने तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता तो टेक्निकली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना, आज का वो माइनस पुराना बोलने में तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आता है ना. तो इसलिए अगर आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ऐसे करके लिखना है नेगेटिव, ध्यान रखना क्योंकि आप उसको एक्सपेंस के अंडर दिखा रहे हो. अरे यार ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिख दो, ठीक है आप फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिख दो. एग्जैक्टली हाँ, वी हैव कंज्यूम दैट मच, बाकी का हमारे पास जो चेंज हुआ है. आंसर के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आंसर के लिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यू कैन डू. ओके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसका इंडियस नंबर 19. ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट इंडियस नंबर 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एंड एक और डाल दो, एक डालना भूल गया मैं, नहीं नहीं 109 नहीं, इंडियस 23 बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट
borrowing cost is a finance cost. Okay. Okay, depreciation and amortization, India Solar PPE में depreciation लगता है. आपको पता है ना कि depreciation के लिए कोई separate standard नहीं है, PPE. और 38 में फिर intangible assets का amortization होता है. ठीक है, other expense में तो बहुत सारी चीजें हो गई. फिर profit और loss before exceptional items and taxes. ठीक है, फिर exceptional item आ गया, फिर profit, ये बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस, आफ्टर करना पड़ेगा. यस, आफ्टर एक्सेप्शन आइटम्स एंड बिफोर टैक्स. थोड़ा समय ठीक कर लो इसको. प्रॉफिट लॉस, आफ्टर एक्सेप्शन आइटम्स एंड बिफोर टैक्स. फिर टैक्स एक्सपेंस आपका इंडिया स्टोल आ गया ये. ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अब देखो, ये आपका टैक्स एक्सपेंस आपने दिखा दिया, आपने टोटल प्रॉफिट में से आपने टोटल टैक्स माइनस कर दिया. आपका जितना प्रॉफिट बचा उसको आपको दो हिस्सों में लिखाना है, एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कितना है और एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना है. मतलब ये प्रॉफिट को आपको बांट के दिखाना है, दो हिस्सों में दिखाना है. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर, ये क्यों दिखाना है? इसमें लिख दो इंड एस 105, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. ये इंडेस बोलता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर तुमने कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू किया है तो उस ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या था उसको सेपरेटली दिखाओ. मतलब ऊपर तुमने पूरा निकाल लिया, सेल परचेस सब कर दी, पर उसका फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल प्रॉफिट उसका कितना आया, अगर मैं सेपरेटली नहीं दिखाऊं तो टोटल में मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे डिसकंटिन्यूड से मेरा कितना है. यूजर शुड अंडरस्टैंड कि उसके डिसकंटिन्यूड से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस वगैरह कैसी थी, तो उसको सेपरेटली दिखाना है. तो इंडेस 105, उसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस भी सेपरेटली दिखाओ, उसके ऊपर टैक्स का इंप्लीकेशन कितना आ रहा है डिसकंटिन्यूड के ऊपर. आई बात समझ में कि नहीं? प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, फिर टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, बात समझ में आएगी नहीं? फिर प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड जो टोटल पीरियड हो जाएगा. अब ये सेक्शन आपका नया स्टार्ट हो गया, यहां जो मैं आपको बोल रहा था कि ये सेकंड सेक्शन स्टार्ट होगा आपका. क्या है इसके बाद, देखो क्या आ रहा है, ओसीआई. बोलो बेटा, ओसीआई में ए और बी करके पॉइंट होगा. ए का वन, बी का वन, पढ़ना. तो ए का वन विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, बी का वन विल बी रिक्लासिफाइड. और ए का टू, बी का टू क्या है, उनके ऊपर का टैक्स, उनके ऊपर का टैक्स इंपैक्ट. कौन सा टैक्स? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों. ओसीआई के ऊपर करंट टैक्स, ओसीआई के ऊपर डेफर्ड. समझ में आया बेटा? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड. इसको ये इसका मतलब क्या होता है, टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम टीसीआई, इसका फुल, इसका मीनिंग मतलब क्या होता है, पीएनएल प्लस ओसीआई, टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, पीएनएल प्लस ओसीआई. फिर क्या आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर. देखो अर्निंग पर शेयर उन्होंने तीन बार लिखा है, कैसे, कंटिन्यूड ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का, और दोनों का मिलाकर, डिसकंटिन्यूड और कंटिन्यू का मिलाकर. कौन से इंडेस में आता है ये? इंडेस 33, राइट. चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जितना भी इसका बचा हुआ पार्ट है, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है ये, और इसके बाद वाला जो भी आइटम है, इसके बाद क्या आ रहा है, पार्ट थ्री कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं. सुनो दो मिनट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये डिवीजन बोलता है कि जो भी तुम अभी तक ऊपर पढ़ के आए हो वो तो सब फॉलो करना है, एक्स्ट्रा ये सब फॉलो करना है. आई बात समझ में कि नहीं? तो आपका होमवर्क ये पीएनएल का जनरल इंस्ट्रक्शंस और पार्ट थ्री करके है, ठीक है ना. आज हमने, आज पहली क्लास थी तो पहला क्लास आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, कल टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 9:15 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ताकि अपन उसको प्रॉपरली रोज 3 घंटे के हिसाब से करें, ठीक है. आज मैं क्लास को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी फिर नेक्स्ट क्लास भी होती है,
सो यहीं पर अपन क्लास अपनी कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो क्लास के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।